वैष्णवे नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो नमः। भगवान का ध्यान करेंगे। हाथ में चक्र रहे जिन के अरो से सके सैया बिराज रहे हैं। हाथ में चक्र रहे जिन के अरो से सके सैया बिराज रहे हैं। भक्त का मान सदा रखते निज भक्त का भाव निहार रहे हैं। ध्यान धरे जो सदाइन का उनकी मन सा को संवार रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको हम पुकार रहे हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपित वस्त्रम सरसिरोहे क्षणम सहरव छस्थल कौस्तुभ श्रेयम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सोऽन्नकादयः पप्रच्छ मुनयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक तीर्थ में 88,000 ऋषिगण जो है एकत्रित हुए और समस्त ऋषियों के मन में केवल एक ही भाव था कि लोक का कल्याण हो। किस प्रकार से लोक का कल्याण, लोक मतलब संसार, क्योंकि कलयुग का आगमन हो रहा था। जब कलयुग आएगा तो लोग धर्म की भावना से जो है च्युत हो जाएंगे, अर्थात लोगों के मन में जो है धर्म की भावना नहीं रह जाएगी, धन को ही लोग जो है भगवान मान बैठेंगे। तो वहां पे सभी ऋषियों ने जो सौनक जी महाराज जी से प्रश्न किया कि हे महाराज, कहा कि वृषे यह उचो प्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुम इच्छामः कथयस्व महामुने। तो जितने ऋषि गण थे सब लोगों ने सौनक जी से प्रश्न किया। सौनक जी जो है चिंता में पड़ गए कि क्या बताएं कि कलयुग का आगमन हो रहा है और लोग नाना प्रकार के दुखों से दुखी रहेंगे, तो छोटा सा उपाय कौन सा बताएं, ऐसा सोचकर वे चिंता में पड़ गए। तभी उस रास्ते से जहाँ पे नैमिषारण्य तीर्थ की बात चल रही है, उसी जहाँ पे सब लोग बैठ करके यह मंत्रणा चल रही है, बगल से जो है सूत जी महाराज निकले। सूत जी महाराज देखे कि 88,000 ऋषिगण जो है एकत्रित हुए हैं और किसी विशेष बात को लेकर के आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। तो शास्त्र का कथन है बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। अगर लोग आपस में बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो जब तक आपको कोई विचार लेने के लिए बुलाए ना, तो जाना नहीं चाहिए। कहे आवत ही हरसे नहीं और नैन नहीं सनेह और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। किसी के स्थान पे पहुंचो और आपको देख कर वह प्रसन्न न हो, देखते उसका सर झुक जाए, कहां से आ गए समय खराब करने। ठीक है, तो ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए, भले उसके घर में सोने चांदी की वर्षा होती हो, खूब पैसा हो, लेकिन जाना नहीं चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि या ते कहत पुकारी के सकल सुनहु दय कान और हेम दान गज दान ते बड़ो दान सम्मान। संसार की एक रीति है कि सबसे बड़ा क्या है, सम्मान,
गज दान, हाथी दान दे कुछ होने वाला नहीं है, घोड़ा दान दे दे, रुपया पैसा दे दे और सम्मान एक पैसे का न करे, तो ऐसे स्थान पे जाना नहीं चाहिए। तो सौनक जी महाराज अभी चिंता में लीन थे, तभी उनकी दृष्टि पड़ी कि सूत जी महाराज जा रहे हैं, तुरंत दौड़े सूत जी को देख करके। सूत जी जो है पुराणों के वेत्ता है, पुराणों के बहुत बड़े जानकार हैं, उनके चरणों को पकड़ा और उनकी सेवा किया, अवभगत किया और आसन पे आसीन किया। तो समस्त ऋषियों ने मिल करके जो है उनसे यही प्रश्न पूछा कि महाराज कलयुग का आगमन हो रहा है और कलयुग में लोग जो है भक्ति से च्युत होंगे, भक्ति करेंगे नहीं और बिना भक्ति के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पूजा आखिर आप पूजा है क्या, हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। आज पूजा करने आप बैठे हैं, पूजा नित्य करते हैं, पूजा आवश्यक क्यों है? पूजा में देखिये दोष शब्द है पू और जा, दो वर्ण है ना, पू और जा। पू का अर्थ होता है पुण्य, जा का अर्थ होता है जायमान, अर्थात वह क्रिया जिसके द्वारा पुण्य की उत्पत्ति हो, पुण्य पैदा हो, वह क्रिया क्या कहलाती है? पूजा। ठीक है, अब पूजा से क्या होगा? पुण्य उत्पन्न होगा। अब पुण्य भवति भाग्य, पुण्य ही क्या बनता है? भाग्य बनता है। और जैसे पुण्य का बैलेंस है, जैसे खाते में अकाउंट में पैसा खूब हो तो चाहे जहाँ अपना एटीएम लगा सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, चाहे जो करो ना, पता चला अकाउंट शून्य है तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो किसी काम में हाथ डालोगे ना बच जाएगा, मतलब होगा नहीं। तो अगर पुण्य अच्छा है, भाग्य तुम्हारा बलवान है, भाग्य बलवान तो गधा भी पहलवान। ठीक है, भाग्य बलवान होना चाहिए। भाग्य कौन बनेगा? आपका पुण्य। और पूर्व जन्म जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, जो पूर्व जन्म का जो आपका पाप है वह व्याधियों के रूप में, कष्टों के रूप में आपको मिलता है। ठीक है, इसलिए पुण्य क्या करता है? उसको कम कर देता है। तो अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो पुण्य करें। और पुण्य कहाँ से पैदा होगा? केवल और पूजा से, और कहीं से नहीं होता है। देखो आप भिखारियों पे जो दान दे, वो दान नहीं है, वो दया है। दान देखिए, दान और दक्षिणा दो चीजें कही गई, दोनों में अंतर है। दान पात्र को दिया जाता है, दानम किम दत्तम सुपात्र दत्तम। दान जब भी दिया जाएगा तो पात्र देखिए कि वो अच्छा व्यक्ति है कि नहीं है, मतलब आपका धन कहाँ जा रहा है, अच्छे कार्यों में लगना चाहिए। जैसे लड़की क्या है, कन्यादान होता है ना, तो चाहे देखिए दे दिव्य एक कितने लड़कों को खोजा जाता है, वर देख, वर कहा गया। देखिए दूल्हे के लिए एक शब्द यूज किया गया, वर, वर मतलब श्रेष्ठ। तो कन्यादान आप जब करते हैं तो कितने लड़कों को देखने के बाद एक लड़की का दान करते हैं ना, वैसे ही दान जब भी दिया जाता है पात्र को देख करके दिया जाता है, सतपात्र। दानम किम दत्तम सुपात्र दत्तम। दक्षिणा क्या है? पारिश्रमिक है, जो हम कार्य करते हैं उसकी मजदूरी है। तो जो गरीबों को हम देते हैं, न तो दान है न तो दक्षिणा है, वह क्या है? दया। आपके हृदय में दया आती है ना, भूखा होगा, खाया नहीं होगा, तो आप दया दिखाते हैं। वहां न तो दान होता है न तो दक्षिणा होती है। ठीक है, वह क्या है? आपकी दया है। और दया का परिणाम जो है, किसी न किसी रूप में आपको सुविधाओं के रूप में भगवान उपलब्ध कराते हैं। जैसे आप कभी किसी को अन्न खिला रहे हैं तो जीवन में कभी आपको अन्न की कमी नहीं होगी, भोजन की कमी नहीं होगी। मूल विषय यह हो जाता है, लड़कियों का जो हम विवाह करते हैं, जो गरीब हैं उनके विवाह करने से हमें बहुत बड़ा पुण्य, यज्ञ का पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। तो ऋषियों ने सब मिल करके भगवान उनसे पूछा, सूत जी महाराज जी से पूछा, महाराज कोई छोटा सा उपाय हमें बताइए जिससे संसार का कल्याण हो सके। सूत उवाच नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापते सुरसरे यथैवाह तक्षिणोद्भम समाहिता। उन्होंने कहा, सूत जी महाराज ने कहा, देखो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं यही प्रश्न एक बार नारद महाराज ने जो है भगवान से पूछा था, मैं अपने साइड से कुछ नहीं बताऊंगा। सूत जी महाराज लोग ने यही स्पष्ट कहा, देखो हम अपने तरफ से कुछ नहीं बताएंगे, यही प्रश्न जो आप हमसे पूछ रहे हैं एक बार नारद महाराज ने पूछा था। नारद महाराज ने कैसे पूछा था इसका वर्णन कह रहे हैं कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विधान लोकान मृत्युलोकम् उपागतः। एक बार की बात है, नारद महाराज नाना लोकों का भ्रमण करते हुए कहां पे आए? मृत्यु लोक में आए।
और यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान क्लिश्यमान स्वकर्म भी। उन्होंने यहाँ पे देखा कि लोग नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न हो करके अपने स्वकर्म भी अपने कर्मों के अनुसार किए हुए पाप और पुण्य के फल को भोग रहे हैं। योनि का अर्थ होता है नाना प्रकार के जीव, जैसे उत्पन्न हुए हैं, जैसे मनुष्य योनि, कोई मनुष्य योनि में पैदा, कोई पशु के रूप में पैदा हुआ है, ऐसा ठीक है। जैसे अब स्वर्ग और कहा गया पाप और पुण्य का फल भोग रहे हैं ना, तो पाप का अर्थ क्या होता है, कहाँ फल भोगेंगे, कष्टों के रूप में अथवा गरीबी में जीवन उनका व्यतीत हो रहा है। देखो स्वर्ग और नर्क सब यही है, जैसे कोर्ट कहीं होती है और जेल कहीं होती, सजा कहीं दी जाती है ना, वैसे ही कोर्ट भगवान ऊपर है, स्वर्ग ऊपर है और स्वर्ग और नर्क यहाँ भोग होता है। नर्क क्या है, देखिए कचरा पड़ा रहता हुआ है आपके अगल बगल में रहता है, हम आप जाते हैं नाक को बंद कर लेते हैं, इतनी दुर्गंध आती है, और बगल में देखो वहीं पे सुअर हो गया, उसी में जीवन बीत रहा है उसका, या कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो पाप कर्म किए हैं, कचड़े बीनते हुए उसी में बेचारे पड़े हुए हैं, उनके लिए वही कार्य भगवान ने निश्चित कर दिया है, तो उनका क्या है, पाप का कर्म है, नर्क का जीवन जी रहे हैं। और स्वर्ग क्या है, पैदा हुए नहीं कि 10 कंपनी के मालिक हैं, किसी योनि में, देखिए आपका पुण्य घर है किसी भी योनि में है आप, उसका फल मिलेगा। मान लो कुछ कर्म खराब रह गया, कुत्ते की योनि में चले गए, लेकिन फिर भी 4 नौकर लगे हुए हैं, साबुन शैंपू चल रहा है, एसी लगी हुई है, वहां पर उसका पुण्य बलवान है। माना कोई कर्म खराब रह गया जिसकी वजह से उसको कुत्ते की योनि प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी अपने अपने कर्म के अनुसार वह अपने फल को भोग रहा है। नारद महाराज ने वही देखा तो उन्होंने कहा, सोचा के नोपायन चैते साम दुख नाशो भवेद्रम। उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई उपाय है जिसके इनके दुखों का जो है नाश हो जाए। इति संचित्य मनसा विश्लोकम गतस्तदा। ऐसा सोच करके कहा मन में, ऐसा मन में सोच करके वे कहाँ गए, विष्णु लोकम गतस्तदा, वे भगवान विष्णु के लोक को अर्थात वैकुंठ को गए। वैकुंठ का अर्थ बिना कुंठा के, जहाँ कोई कुंठा नहीं है वही वैकुंठ है। कुंठा में कोई छल कपट नहीं है, भगवान ने कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हारे शरीर से चीज चल जाए, कपट छल और छिद्र, मतलब कपट हट जाए, जिस दिन तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाए उस दिन तुम मुझे पा जाओगे, अर्थात तुम वैकुंठ में आ जाओगे। कोई कुंठा नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है, तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, उस दिन तुम वैकुंठ को, वैकुंठ भगवान को प्राप्त करता है ना, तो फिर जन्म योनि नहीं लेते ना, उना नहीं, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तदा नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्मनवाला विभूषितम। वहां पे उन्होंने क्या देखा कि नारायण भगवान जो है शुक्ल वर्ण के हैं, सफेद रंग के हैं, गोरे हैं एकदम, और क्या है चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं भगवान की, और चारों भुजाओं में क्या लिए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 जो हैं अपने चारों हाथों में लिए हुए हैं, और वनमाला विभूषितम, वनमाला को धारण किए हैं। वनमाला मतलब जानते हैं क्या होता है, 5 चीजों को मिला करके जो माला गूंथी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, वनमाला। कौन कौन सी चीजें हैं, तुलसी कुंद मंदार पारिजातस्य चंपकई, मतलब तुलसी कुंद मंदार पारिजात और चंपा, ये 5 पुष्पों को मिला करके जब माला गूंथी जाए तो पंचभीर गथिता माला वनमाला भूषिता, 5 चीजों को मिला करके जो माला गूंथी जाती है उसको क्या कहा जाता है, वनमाला। तो भगवान जो है वनमाला को धारण किए हुए हैं। उनको जैसे पहुंचे भगवान के पास, भगवान जो है उठे और नारद महाराज को जो है बैठाए, आश्रम में बैठाए, उनकी आवभगत किए, तब उन्होंने पूछा, जैसे ही आसन पे दिया तब नारद महाराज ने, नारद उवाच दृष्ट्वा तम देव देवे सम्मिष्टो तुम समचक्रमे। जैसे ही नारद महाराज ने देखा भगवान है, उन्होंने क्या किया, नारद महाराज ने भगवान की स्तुति की, प्रशंसा की, कि नमो मांग मनसातीत रूपाय अनंत सक्तये आदि मध्यंत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मरे ए सर्वे सामादि भूताय भक्तानाम आर्तिनाशिने सुत्वा स्त्रोतम तदो विष्णु नारद प्रत्यभासत। वैसे ही जैसे ही भगवान को देखा, उन्होंने भगवान का जो है ध्यान किया, उनकी स्तुति की, स्तुति मतलब प्रशंसा,
पूजा और स्तुति में अंतर है। पूजा मतलब भगवान की सेवा, देखिए भगवान की भी पूजा की है ना, पूजा मतलब नहलाना धुलाना आसन देना उनको भोजन नैवेद्य लगाना ये सब सेवा है। और स्तुति मतलब जो स्त्रोत हम पाठ कर रहे हैं कथा कह रहे हैं, कथा से व्यथा का नाश होता है, या क्या है भगवान की प्रशंसा है, भगवान ने क्या क्या किया उनकी महिमा को हम गाते हैं, यह कथा है। कथा में उनके बारे में कहना ठीक है, प्रशंसा करना। स्तुति कश्य न भावती, प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती। भाई किसी से काम निकलवाना है तो पहले उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है ठीक है। तो भगवान की उन्होंने जो है प्रशंसा की, इसके बाद उन्होंने क्या किया, तब भगवान प्रसन्न हो गए। तब भगवान ने श्री भगवान उवाच किमर्थम आगतो असि त्वं किं ते मनसि वर्तते। उन्होंने नारद महाराज से पूछा, हे भगवान किमर्थम आगतो असि, आप किस कारण से हमारे घर पे आए हैं, किं ते मनसि वर्तते, आपके मन में क्या है, कथयस्व महाभाग, हे महाभाग आप बताइए। तत्सर्वम कथयामि ते, सब प्रकार से आप उसे वह चीजें मुझे बताइए, मैं सबका जो है निराकरण करूंगा निवारण करूंगा। नारद उवाच, नारद भगवान ने कहा कि मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश मनविदा नाना योनि समुत्पन्या पच्यन्ते पाप कर्म भी। उन्होंने कहा महाराज मैं नाना लोक अलग अलग लोकों में गया और वहां पर मैंने देखा कि लोग नाना प्रकार के दुखों से दुखी हैं, उनके दुखों का नाश कैसे हो, तत् कथम समय नाथ लघु पायन तद्वत, उनके दुखों का नाश कैसे हो, लघु पायन कोई छोटा सा उपाय हमें बताइए। श्रोतुम इच्छाम तत्सर्वम कृपा यस यदि ते मई, मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ, छोटा सा उपाय जानना चाहता हूँ, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो आप मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहा तत्क्षण सुवदामि ते। भगवान ने कहा कि हे महात्मन आपने बहुत अच्छी बात हमसे पूछी है, कैसे लोकानुग्रह कांक्षया, संसार का कल्याण करने की कामना से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यत् कृत्वा मुच्यते मोहात, जिसको करने से व्यक्ति मोह से विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रथमस्य महत पुण्यम स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभम तव स्नेहान्मया विप्र प्रकाशः क्रियते यधुना। उन्होंने कहा संसार में एक छोटा सा व्रत है जिसको करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, इस समय मैं तुम्हारे स्नेह बस तुम्हारे प्रेम बस तुमको बता रहा हूँ, जिसको करने से व्यक्ति के सारे दुख जो है दूर हो जाते हैं। उसका नाम क्या उन्होंने बताया, सत्यनारायणस्य एव व्रतम सम्यक विधानतः। उन्होंने कहा वह व्रत जो है सत्यनारायण नाम का सुंदर व्रत है, उसका जो है विधि विधान से यदि कोई पालन करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कृत्वा सत्य सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षम वाप्नुयात, ऐसे व्रत को करके वह सत्य शीघ्र ही सुखम भुक्त्वा सुख को भोग करके परत्र और परलोक में भी क्या करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तस्त्वा भगवत वाक्यम नारदो मुनि अब्रवीत, उनके वचन को सुन करके नारद महाराज बोले कि नारद उवाच किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम। नारद महाराज ने एक साथ तीन प्रश्न पूछा, क्या पूछा, किम फलम किम विधानम च, पहला प्रश्न पूछा किस व्रत का फल क्या है, दूसरा प्रश्न पूछा इसका विधान क्या है, और तीसरा प्रश्न पूछा के नैव कृतम तद व्रतम, इस व्रत को किस किस ने किया है। देखिए ठीक उल्टी बात है, भगवान कहते हैं कि फल की इच्छा मत करो, न कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन मनुष्य की उल्टी दशा है, मनुष्य पहले फल की इच्छा करता है, बताओ इसमें अगर हम ये कार्य करेंगे इसमें फल क्या मिलेगा, नौकरी करेंगे तो सैलरी कितनी मिलेगी, नहीं दूसरे जगह इंटरव्यू दे, ठीक है नॉर्मल सी बात है, पहले फल की इच्छा। तो नारद महाराज ने सबसे पहला प्रश्न पूछा क्या, किम फलम, इसका फल क्या है, दूसरा प्रश्न पूछा किम विधानम, इसका विधान क्या है, और तीसरा प्रश्न पूछा केनैव कृतम तद्व्रतम, इस व्रत को किस किस ने किया, तीन प्रश्न पूछा है। अब भगवान एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। इस कथा के कितने फल हैं, सात। इस कथा के कितने फल हैं, बहुत कथा सुने हो बल्कि क्यों गिने ना हो आज तक, इस कथा के कितने फल हैं, सात गिनी। कहा दुख शोकादि शमनम, दुख और शोक का नाश करता है, दुख और शोक दो का हो गया,
और क्या कहा, दुख शोक के नाश के बाद धन धान्य प्रवर्धनम, धन और धान्य को बढ़ाता है, दुख और शोक का नाश करेगा, दो हो गया धन और धान्य, घर में अनाज की कभी कमी नहीं होगी, धन की कभी कमी नहीं होगी, चार हो गया। सौभाग्य संतति कर्म, सौभाग्य को पति की आयु को बढ़ाता है और संतति कर्म संतान को उत्पन्न करता है अथवा संतान को कोई कष्ट हो तो उसको दूर करता है, कितने हो गए छह। सर्वत्र विजय प्रदम, सभी स्थानों पे विजय को दिलाता है, अर्थात किसी कार्य में आप हाथ डालेंगे तो काम आपका रुकेगा नहीं। तो यह सात फल, इस भगवान सत्यनारायण की कथा के कितने फल हैं, सात फल हैं, ऐसा जो है भगवान ने बताया। तो नारद महाराज ने दूसरा प्रश्न पूछा था, तो महाराज किम विधानम, फल तो बढ़िया बढ़िया है लेकिन जिसका जिसमें क्वालिटी ज्यादा हो तो उसकी कीमत भी ज्यादा होती है ना, नॉर्मल सी बात है। तो उन्होंने कहा विधान बताइए महाराज, इसमें लगेगा कितना खर्च बैठेगा, क्योंकि मुझे यह सबको बताना है, अमीर गरीब मध्यम वर्गीय जितने भी है सबके लिए व्रत यह होना चाहिए। तो भगवान अब विधान बता रहे हैं, कहें कि यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वित, सुनो इस कथा का कोई समय नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, यस्मिन कस्मिन, जिस भी किसी दिन तुम्हारे मन में हो जाए कि हमें भगवान की कथा को सुनना है, भगवान की कथा को सुन सकते हो, न कोई भरणी न भद्रा न पाचक न खरमास, किसी भी महीने विरुद्ध मासे हरिरुद्र पूजा न वर्जयेत, विश्व कथा प्रसंगे शास्त्र कहता है विरुद्ध महीनों में भी भगवान हरि और हर की पूजा की जा सकती है, ठीक है, इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। बरहों महीना सातों दिन चौबीसों घंटा हरि और हर की अष्टयाम पूजा है, भगवान विष्णु की और भगवान शिव की अष्टयाम, चार पहर दिन के चार पहर रात के, मतलब इसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन में आ जाए कि हमें भगवान की कथा को सुनना है तो आप भगवान की कथा को सुन सकते हैं। तो कहें महाराज अच्छी बात है, और इसमें लगेगा क्या, कहे सत्यनारायणम देव जच्चैव निशामुखे, कहे सबसे अच्छा यह है कि इस कथा को सायंकाल में निशामुखे, निशामुख का अर्थ है सायंकाल, सायंकाल में सुनना चाहिए, दिन भर व्रत रहना चाहिए, सायंकाल में इस कथा को शाम को सुनना चाहिए, और इस कथा को अकेले नहीं सुनना चाहिए, ब्राह्मणे बांधवैश्चैव सहितो धर्म तत्पर, अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। अब कहें महाराज बतावा लगे का, इस कथा में लगेगा क्या वो हमें बता दीजिए। उन्होंने कहा सुन नैवेद्यम भक्ति दो दत्ता सपादम भक्ष्य उत्तमम, उन्होंने कहा नैवेद्य में सुंदर बढ़िया बढ़िया अगर आपके पास व्यवस्था हो भोजनीय पदार्थ प्रसाद को भगवान को चढ़ाइए। कहें महाराज मान लो गरीब व्यक्ति हो तब, क्योंकि यह कथा सबके लिए है ना, अमीर गरीब सबके लिए है, कहें मान लो उतनी व्यवस्था न हो तो रंभा फलम, रंभा फल मतलब केले का फल, यह भगवान को फल के रूप में चढ़ाना चाहिए। केले का ही फल क्यों आया, केला जो है बीज से उत्पन्न नहीं होता, भगवान को दो ही फल ऐसे हैं जो जूठे नहीं होते, नारियल और केला, नारियल भी देखिए अक्खा निकलता है वो जूठा नहीं होता है, और केला, केले में क्या है कभी जूठा नहीं होता केला, वह सीधा उसे तने से निकलता है, इसलिए उन्होंने कहा रंभा फलम, केले का फल हमें जो है चढ़ाए, और घृतम क्षीरम, घर में घी और दूध से बना हुआ पदार्थ हमें भोजन के रूप में नैवेद्य में चढ़ाए। कहे मान लो महाराज अगर और कुछ व्यवस्था हो बताइए, कहे गोधूमस्य च चूर्णकम, घर में गेहूं का चूर्ण हो तो वह हमें चढ़ा दे, गेहूं का चूर्ण मतलब पिसान, आटे को भून ले पंजीरी के रूप में भगवान को निवेदित करिए। तो मान लो भगवान से पूछा उन्होंने कि मान लो अगर न रहे तो पहले गेहूं कम होता था, पहले गेहूं कम होता था, कहे मान लो घर में गेहूं न हो तब, कहे अभावे साली चूर्णम वा, अगर मान लो गेहूं का अभाव हो पिसान न हो तो साली चूर्णम वा, साठी चावल का चूर्ण वह हमको नैवेद्य के रूप में चढ़ा दे। कहे मान लो वह भी व्यवस्था न हो पावे तब, सबके लिए कथा है ना समझिए, कहे मान लो अगर वह भी व्यवस्था न हो पावे तब, कहे शर्करा वा गुड़स्त था, घर में शक्कर होगी वह हमको भोग के रूप में चढ़ा दे। कहे महाराज मान लो शक्कर की भी व्यवस्था न हो, न शक्कर मिल पाए या खरीदने का उसके पास पैसा न हो तब, कहे गुड़स्त था
घर में गुड़ तो होगा, वो खरीदने की आवश्यकता नहीं, वह हमको चढ़ा दे। कहे महाराज मान लग अगर वह भी न हो तब पत्रम पुष्पम फलम तो यम, घर में पत्र होगा तुलसी का पत्ता, वह हमको नैवेद्य के रूप में तो मतलब जल चढ़ा दे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। सपादम सर्वभक्षाणि चैकीकृत निवेदय, इस प्रकार से व्यक्ति सब कुछ हमें क्या करे, निवेदित करे। अभिप्राय दक्षिणा दत्तात् कथां सुत्वा जनैश, और ब्राह्मण को देकर के दक्षिणा जो है मूल रूप से विदा करना चाहिए, और ततस्य बंधुवेशार्धं विप्रांश प्रति भोजयेत्, और अपने भाई बंधुओं के साथ जितने लोगों की व्यवस्था हो सके भोजन इत्यादि जो है कराना चाहिए। और प्रसादम भक्षयेत भक्त्या नृत्य गीतादिकं चरेत, और हो सके तो अगर व्यवस्था हो तो रात में सुंदर का नृत्य गीत आदि का भजन कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं मिश्रं, ऐसा करके मन में भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाना चाहिए। एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धिर भवेत् ध्रुवम्, इस प्रकार से मनुष्य यदि कोई इस कथा का श्रवण करता है पालन करता है तो वांछा सिद्ध भवे ध्रुवम, उसकी जो वांछा है मतलब जो उसकी कल्पना है जो मानता है उसकी कोई मनोकामना है उसके भगवान क्या कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। विशेषतः कलयुगे लघु उपायोस्ति भूतले, विशेष रूप से कलयुग में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय, बोले वाके बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ऊपर भगवान के पास निवेदित करेंगे, तुलसी पत्र हाथ में ले लेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। सर्वदा लोक कल्याण पारायणम, सर्वदा लोक कल्याण पारायणम, देव गो विप्रक्षार्थ सद्विग्रहम, दीनहीनात्म भक्ताश्रयं सुंदरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे, सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूतुवाच अथान्यत् संप्रवच्छामि कृतं मेन पुरा द्विज, कश्चित् काशीपुरे रम्यः आसीद् विप्रोति निर्धनः। तर एक समय की बात है कि काशी नामक सुंदर एक नगर है, वहां पे एक ब्राह्मण रहा करते थे। कैसे ब्राह्मण थे, अति निर्धन, अत्यंत गरीब थे। भगवान ब्राह्मण प्रिय वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम प्रपच्छ द्विज मादरात, कि वह ब्राह्मण देवता इतने गरीब थे कि जिस दिन भिक्षा नहीं मिला करती थी उस दिन उनका परिवार जो है भूखा रह जाता था। उनका नाम क्या था, सतानंद, इतने गरीब थे। तो संयोग की बात है, पाप कर्मों की अधिकता के कारण एक बार वे ज्वर से पीड़ित हो गए, बुखार हो आया, और तीन चार दिन तक जो है सैया पर पड़े रह गए, शरीर में शक्ति ही नहीं थी। क्या करें, अब घर में भिक्षा कमाने वाला कोई था नहीं, अब कहाँ से चले, तीन दिन तक चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से व्याकुल हो गए। किसी प्रकार से सतानंद ने मन में विचार किया कि अब बिना मांगे जो है चलने वाला नहीं है, मांगना पड़ेगा, अब चलना पड़ेगा, मांगने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा मन में सोच करके वे कहाँ गए, मांगने के लिए चल पड़े, लेकिन शरीर में शक्ति तो थी नहीं। अभी डेंगू हो जाए किसी को तो कहाँ शक्ति रहेगी, हाथ पैर पकड़ लेता है, घर से तो निकले लेकिन शरीर में शक्ति नहीं थी। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान को जो है याद करने लगे। फंसी है भवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। भगवान को मन में ध्यान कर लगे कि नया जो है हमारी जो संसार में जो चल रही है यह भव सागर में फंसी हुई है, अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। कहा कि हे भगवान आप हमारे खेवैया आप ही हो, अगर आप मेरे खेवैया बन जाओगे, माझी बन जाओगे तो हम पार हो जाएंगे इस भव सागर से। ऐसा मन में जो है भगवान का ध्यान करने लगे
भगवान बड़े दयालु हैं, दीनानाथ बड़े दयालु हैं, उनके मन में दया जगी और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके जो है आ गए और उन्होंने उनसे पूछा कि मर्थम भ्रमसे विप्र मही नित्यम सुदुखिता। उन्होंने कहा हे ब्राह्मण तुम कौन हो और पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो, जो भी बुखार हुआ है ज्वर से पीड़ित हो बताओ क्यों भटक रहे हो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणो वत दरिद्रोहम भिक्षार्थे वै भ्रमे महीम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। उन्होंने कहा हे महाराज मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटक रहा हूँ, यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का आप कोई भी उपाय जानते हो तो कृपया हमें बताइए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। देखिए भगवान पता नहीं कब रीझ जाए कोई कह नहीं सकता। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं यही सब भक्त गाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलको का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न लौटे मधुपुरी से गोपियों के दो कथा सुनकर, न लौटे मधुपुरी से गोपियों के दो कथा सुनकर, द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं भगवान को आपके मन आपका कौन सा गुण उनको पसंद आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यह बिंदु जी की एक बहुत सुंदर भजन थी जो अभी हमने कहा। बिंदु जी ने अनुभव किया इस विषय को कि न लौटे मधुपुरी से, मधुपुरी मतलब मथुरा से, जब गए गोपियों की दुख कथा सुनकर, गोपियां रोती रह गईं लेकिन लौटे नहीं। द्रुपद जा की जैसे द्रौपदी एक बार करुण आर्त स्वर में बुलाया, कहां से आते हैं द्वारिका से दौड़े आते हैं, कहां नहीं रोए जिस समय वन गमन में जाने लगे पिता दशरथ जो है रो दिए और रोते रोते उन्होंने क्या कर दिया प्राण भी त्याग दिया लेकिन लौटे नहीं और नहीं रोए और क्या करते हैं वहीं गिद्ध को निज गोद में, जटायु को गोद में लेकर के आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। तो तो भगवान जो है उनके उनके दुखों को दूर करने के लिए तुरंत प्रस्तुत हो गए। उन्होंने कहा सुनो महाराज, एक वृद्ध ब्राह्मण उवाच, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान ने कहा, सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फल प्रद। सत्यनारायण रूपी जो भगवान विष्णु है वह समस्त वांछित चीजों को प्रदान करने में सक्षम है। उनका तुम तस्य तुम पूजनम विप्र पुरुष व्रत उत्तम, हे विप्र तुम उनका उत्तम पूजन करो, यत कृत्वा सब दुखोभ्यो भुक्तो भवति मानवः। उनका पूजन करने के बाद तुम्हारे सारे दुख जो है क्या हो जाएंगे मिट जाएंगे। विधानम च व्रतस्यापि विप्राया भास्यत्नतः, समस्त विधान जो व्रत का था
ब्राह्मण को बता करके सत्यनारायण वृद्धस्त तत्र अंतरधीयत, वह वृद्ध रूप जो ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान थे वहीं पर क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तद व्रतम संकरिष्यामि उक्तम ब्राह्मणेन वैव इति संचित्य विप्रोसो रात्रौ निद्राम न लब्धवान। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा कि आज जो ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान आए थे उन्होंने जैसा विधान बताया है वैसा ही मैं व्रत करूंगा, कब, कल, कल, आज नहीं कल करूंगा। तो ऐसा मन में सोच करके रात्रौ निद्रा न लब्धवान, रात में उन्हें निद्रा अर्थात नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्येत संकल्प इच्छार्थम गद्यः, कि सुबह होते ही मैं भगवान का व्रत करूंगा ऐसा मन में सोच करके भिक्षार्थम भिक्षा के लिए वह ब्राह्मण देवता चल पड़े। तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रसूदं द्रव्यम् आप्तवान्, भगवान की ऐसी अनुकंपा उनके ऊपर हुई उससे उन्हें बहुत सारा धन धान्य मिला। जापर कृपा राम कर होई और तापर कृपा करें सब कोई, भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे, कृपा की नजर फेर दे, समझे सारी चीजें बन जाएंगी। तो जैसे ही भगवान कृपा दृष्टि फेर दिए उस दिन बहुत सारा धन धान प्राप्त हुआ। तेनैव बंधु ईशार्धम सत्य सप्रथमाकृत, वे अपने परिवार के साथ अपने बंधु बांधवों के साथ जो भगवान का उत्तम पूजन आज का आचरण किए और सर्व दुख विनुर्मुक्तो सर्व संपत समन्वित, भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई कि वह ब्राह्मण देवता जो है उस बभूव सद्विज श्रेष्ठ व्रतस्य प्रभावतः, इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे जो दुख दरिद्र थे सब मिट गए। ततः प्रवृत्ति कालम च मासी मासी व्रतम कृतम, इसके बाद वे प्रत्येक महीने जो है भगवान की उत्तम व्रत कथा का श्रवण करना आरंभ कर दिया। एवं नारायण से इदम व्रतम कृत्वा ज्योत्तम सर्व पाप विमुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्तवान, इस प्रकार से वह द्विजोत्तम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सानंद नाम के जो ब्राह्मण थे सर्व पाप विनुर्मुक्तो सभी पापों से मुक्त हो करके दुर्लभम दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किए। व्रतवस्य यदा विप्रः पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्व दुःखं तु मनुजस्य विनश्यति, भगवान कहते हैं कि इस व्रत को जैसे ही कोई व्यक्ति करता है उसके सारे दुख जो है उसी दिन से मिटने चालू हो जाते हैं। एवं नारायण उक्तम नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्रः किमन्यत् कथयामि वः, इस प्रकार से नारायण ने जैसा नारद भगवान को कहा था ऐसा सूत जी महाराज जी जो है बताते हैं। जब सूत जी बताए इतनी कथा तब तो ऋषियों के मन में और श्रद्धा उत्पन्न हुई कि इस व्रत के बारे में हम और जाने, तो उन्होंने कहा ऋषियः उचुः ऋषियों ने कहा तस्माद् विप्रास्तम केन पृथिव्याम चरितम मुने तस्रवम श्रोतुम इच्छामः श्रद्धास्माकम् प्रजायते, ऋषियों ने कहा हे महाराज अब हमें इस व्रत के बारे में और श्रद्धा उत्पन्न हो रही है और जानने की इच्छा हो रही है कि इस व्रत को और किस किस ने सुना, हमें उनके बारे में भी बताएं। सूत उवाच, सूत जी महाराज कहते हैं श्रोत्वम मुने सर्वे प्रथमेन कृतं भवे एकदा सद्विजोरो यथा विहो विस्तरे बंधुवी स्वजन सार्धं प्रथम कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन् अंतरे काले क्लाशकेता समागतः समागमत, कह रहे एक समय की बात है कि वह ब्राह्मण देवता सतानंद जान नाम के जो ब्राह्मण थे व्रत का आचरण कर रहे थे, मतलब व्रत कर रहे थे, व्रत करने के बाद भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला जो है वहां पे आया, वह लकड़ी बेचने वाला एक प्रकार से इनका मित्र ही था, जब भिक्षाटन के लिए जाया करते थे भिक्षा मांगने तो रास्ते में पेड़ के पास बैठा करते तो वहां वह भी मिला करता था। वह भी सोचा कि ब्राह्मण देवता गरीब थे हम भी गरीब थे, अचानक के धनवान हो गए, इनका दिन बदल गया, कहां हाथ मारे, कौन सी लॉटरी लग गई, हमें भी पूछना चाहिए ना। तो ऐसा सोच करके वह आया था, उसने देखा कि उस समय भगवान की जो है कथा चल रही थी तो बही काष्ठम च संस्थाप्य, उपने काठ जो लकड़ी को लिया हुआ तो बाहर रख दिया और विप्रस गृह माय और ब्राह्मण के घर में आया। अतिष्णया पीड़ात्मा च दृष्ट्वा विप्रम कृतम व्रतम, और वह प्यास से व्याकुल था लेकिन देखा कि ब्राह्मण देवता जो है भगवान का पूजन अर्चन कर रहे थे तो प्रणिपत्र द्विजं प्राह, उसने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और प्राह मतलब कहा कि किम इदं क्रियते त्वया, हे महाराज आप यह क्या कर रहे हैं, कृते किम फलम आप्नोति, और जो कर रहे हैं इससे क्या फल की उत्पत्ति होती है। दोनों प्रश्न किया कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसको करने से कौन सा फल मिलेगा। विस्तराद वदमे प्रभो,
कि हे महाराज विस्तार विस्तार से वध मतलब हमसे कहिए। विप्रुवाच ब्राह्मण देवता ने कहा सत्य नारायण से इदम व्रतम सर्वे अपसिद्धम। ब्राह्मण देवता ने कहा यह सत्यनारायण का व्रत है और समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला व्रत है। तस्य प्रसादान प्रसादान में सर्वम धन धान्यादि कम्भत, और इसके प्रसाद से इसकी कृपा से ही मुझे यह सब धन धान्य की प्राप्ति हुई है। देखिए इसका एक मूल कारण है, नारायण जब आएंगे तो लक्ष्मी साथ में आनी तय, और जिसके घर में नारायण आ जाए तो दरिद्रता कहाँ रह पाएगी। नॉर्मल सी बात है, अगर लॉजिक कोई लगाए भगवान अगर आ जाए और ब्राह्मण के चरणों में ब्राह्मण के पैर में लक्ष्मी का वास होता है, अगर ब्राह्मण किसी के घर में पैर रख दे तो उसी दिन से उसके घर में लक्ष्मी का वास होना चालू हो जाता है। इसीलिए लोग ब्राह्मण को बुला करके उनका चरण धोते हैं, चरणोदक जल में घर में छिड़कते हैं, इसीलिए कि घर की जो दरिद्रा है अर्थात दरिद्र लक्ष्मी है वह दूर जाए और लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो। ऐसा मन में जो है उन्होंने बताया कि यह जो व्रत है समस्त इप्सित कामनाओं को जो है पूरा करने वाला है। तस्य प्रसाद अन्ने प्रसाद अन्न में सर्वम धनान्यादिकम् तस्माद् एतद् एतद् व्रतम् ज्ञात्वा क्लाश्चेता अधिहर्षितः। इस प्रकार से ब्राह्मण के द्वारा व्रत के पूरे विधान को जान करके वह काष्ठ क्रेता अर्थात लकड़ी को खरीदने बेचने वाला लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। पपो जलम प्रसादम च भुक्त्वा सन्न गम्यैव, और प्रसाद को जल को पी खा करके वह लकड़ी बेचने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। सत्यनारायणम देवम मनसा इत्य चिंतयत, और सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि काष्ठम विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते च यद्धनम, इस लकड़ी को बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रत उत्तमम, उस धन से मैं भगवान सत्यनारायण का सुंदर व्रत करूंगा। ऐसा मन में उसने चिंतन इत संचित्य मनसा काष्ठम धृत्वा तुमसके, ऐसा मन में सोच करके उसने लकड़ी को सिर पे रख करके एक नगर की ओर निकल पड़ा। जगाम नगर एरम में धनिनाम यत्र संसदे, ऐसे नगर में गया जहाँ धनी लोग रहते थे, धनवान लोग रहते थे। तद दिने काष्ठ मूल्यम च द्विगुणम प्राप्तवान सो, उस दिन उसे लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त हुआ। लकड़ी का दुगुना मूल्य कैसे प्राप्त होगा? ऐसे प्राप्त होगा कि वह जो साधारण लकड़ी समझ करके जंगल से तोड़कर लाया था वह लकड़ी जो भगवान की कृपा हो गई वह लकड़ी चंदन की लकड़ी में परिवर्तित हो गई। अरे भगवान लकड़ी को छू दे चंदन न बने तो कैसा रहेगा। जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो जहां 2 रुपए की लकड़ी बिकनी चाहिए थी वहां 400 रुपए 500 रुपए किलो वह लकड़ी बिकी। उस दिन उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। और ततः प्रसन्न हृदय सुपक्वम कदली फलम शर्करा घृदुग्धम च गोधूम से चुड़कम, और उस धन से उसने खूब पका हुआ कदली का फल केले का फल लिया, शर्करा शक्कर घी दूध और गोधूमस्य गेहूं का चूर्ण लेकर के जो है विधि विधान से भगवान का जो है व्रत किया। तद व्रत से प्रभावेण धन पुत्राणि तो भवत, उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्रादि से संपन्न हो गया। और कृत्वे कत्र सपादं दशो गृहत्वा स्वगृहमे ततो बंधून समाहूय चकार विधि नाम व्रतम, तद व्रतस्य प्रभावेण धन पुत्राणि तो भवत ये लोके सुखं भुक्त्वा चन्ते सत्यपुरमेव, और इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में वह वैकुंठ को सत्यपुर अर्थात भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। इत्स्कंदपुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रकथायां द्वितीयोऽध्याय बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान भगवान का ध्यान करेंगे। दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते, दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते, राजते सारमायस्य वामे सदा, यः प्रसन्नाननो भाति भव्यश्च तम्, सत्यनारायणं विष्णुमी संभजे,
सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे संकटे संगरे यंजन सर्वदा स्वात्मभिनाशनाय स्मरेत् पीड़ित पूर्णकृत्यो भवेयत् प्रसादाच्यतम् सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवच्यां श्रुतद्यं मुनि सत्तमा पुरा च उल्का मुखो नाम नृपस्य असि महामति जितेन्द्रिय सत्यवादी च यो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान संतोषयन् सुधे। कने एक समय की बात है, सूत जी महाराज बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें आगे की कथा बता रहा हूँ। ऋषियों ने प्रश्न किया था कि हमें और श्रद्धा उत्पन्न हो रही, कुछ और बताइए इस व्रत के बारे में। कहे पूरा प्राचीन समय की बात है, पहले की बात है। उल्का मुखो नाम नृप, एक उल्का मुख नाम के राजा थे, महामति, बड़े बुद्धिमान थे, जितेंद्रिय सत्यवादी, जितेंद्रिय थे और सत्यवादी थे, और नित्य देवालय में जाकर के, मंदिर में जाकर के पूजा अर्चन करते थे और ब्राह्मणों को बहुत सारा धन धान्य दे करके जो है सेवा करते थे। लेकिन एक कष्ट था, उनको संतान नहीं थी और उनकी पत्नी जो थी वह भी बहुत ही धर्मशीला थी, लेकिन संतान नहीं थी। तो उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी कि हमें संतान प्राप्त हो जाएगी तो हम भगवान की क्या करेंगे, सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। कहाँ पे करेंगे, भद्रशिला नदी तीरे। भद्रशिला नदी तक जानते हैं कहाँ है, आज उसका बदला हुआ नाम तुंगभद्रा नदी है। भद्रशिला नदी का नाम बदल कर क्या हो गया, तुंगभद्रा, दक्षिण भारत में है, ठीक है। तो उस नदी के किनारे जा करके भद्रशिला नदी तीरे सत्यश व्रतमाचरत, वे भद्रशिला नदी के तट पे जा करके जो है भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का श्रवण कर रहे थे। ए तस्मिन अंतरे तत्र साधु एकः समागत, उसी समय एक साधु बनिया, व्यापारी करने वाला, व्यापार करने वाला एक बनिया था जाति से, और साधुओं जैसा गेरुआ रंग का वेशभूषा बनाए रखता था लोगों को ठगने के लिए कि हमको पैसा जो है प्रॉफिट नहीं कमाते, जितना में आता है उतने बेच रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को धोखा देने वाला था। तो ऐसा जो है व्यापारी जा रहा था और उसने क्या देखा, नावम संस्थाप तीरे जगह हम नृपतिम प्रति, उसने अपनी नौका को जो है नदी के किनारे रोका और जाकर के राजा से बोला, दृष्टवा स प्रतिनम भूप प्रपच्छ विनयान्वित, वह जाकर के राजा से विनय पूर्वक आवेदन किया। उसने क्या कहा, साधुर उवाच किम इदम कुरुषे राजन भक्तेन चेतसा, उसने कहा हे महाराज भक्ति युक्त चित्त से होकर आप यह क्या कर रहे हैं। प्रकाशम कुरु तत् सर्वम श्रोतुम इच्छामि सांप्रतम, आप सब कुछ मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजोवाच पूजनम क्रियते साधो विष्णु अतुलते सह, राजा ने कहा कि हे साधो मैं भगवान नारायण का पूजन पाठ कर रहा हूँ, व्रतम च स्वजन ये सार्ध पुत्राब्ध कामया। तो वह साधु बनिया जो था उसने कहा महाराज पूजा पाठ क्यों कर रहे, इतना धन आप व्यर्थ में गवा रहे हो, अगर यह धन हमें दे दो तो हम आपको बकायदा ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, यह धन हम कहाँ लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा, ये दान दक्षिणा छोड़ो। तो राजा ने कहा सुनो ऐसा वैसा यह व्रत नहीं है, यह व्रत मैं किसके लिए कर रहा हूँ, पुत्राद्य काम वाप्ति कामया, यह पुत्र की मुझे प्राप्ति हो जाए ऐसा कामना मन में रख करके मैं यह व्रत कर रहा हूँ। भूपस्य वचनं सुत्वा साधु प्रोवाच साधनम, राजा के वचन को सुनकर के वह साधु वणिक जो है बनिया आदर पूर्वक बोला, सर्वं कथय मे राजन करिष्ये हम तोदितम ममापि संततिर्नाति होतम जायते ध्रुवम। उसने कहा हे महाराज इस व्रत के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो वह मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ममापि संततिर्नास्ति मुझे भी संतान नहीं है, और एतत् जायते और ध्रुव मतलब निश्चित रूप से, क्या निश्चित रूप से अगर इस व्रत से संतान की प्राप्ति होती होगी तो मैं अवश्य करूंगा। ततो राजा ने सारा विधान बताया, ततो निवृत्त वाणिज्यात सनंदो गृहमागत, तो वाणिज्य कर्म से व्यापार कर्म से निवृत्त होकर खाली होकर के वह वणिक जो वणिक था बनिया था वह गृहमागत
घर पे आया और भार्या एकतितम सर्वम प्रथम संतरिदायकम, और उसने अपनी पत्नी से, उसकी पत्नी का नाम क्या था, लीलावती, लीलावती से सारे व्रत की विधान को बताया, कहा देखो इस व्रत को करने से क्या होती है, संतान की प्राप्ति होती है और हमें तुम्हें बहुत दिन से संतान तो है, बहुत दवा दारू सब कर लिए लेकिन संतान हुई नहीं, इस व्रत से जो है संतान होती है। तो पत्नी ने कहा तदा प्रथम करिष्यामि यदा मे संतिर भवे, तो पत्नी ने कहा तदा प्रथम करिष्यामि, तो आप इस व्रत को कर लीजिए, कल ही पंडित जी को बुलाते हैं, हम लोग जो है इस व्रत को करते हैं। तो बनिया था, बहुत कंजूस था, उसने कहा अभी व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत दवा की कुछ हुआ है नहीं, हम अभी नहीं करें, हम भगवान से भी मन्नत मांगेंगे, जब हमें भगवान संतान देंगे तब हम भगवान की कथा सुनेंगे। कहा तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर भवेत्, मैं तभी व्रत करूंगा जब मुझे संतान होगी। भगवान ने भी सोचा, अभी हमने कहा ना कि न जाने कौन से गुड़ पे दया जाते, भगवान रीझ गए इस पे कि यह बनिया आज तक कभी एक रुपया खर्च नहीं किया है और आज कम से कम कह तो रहा है कि मैं करूंगा। देखिए भगवान दो प्रकार से सुनते हैं, भगवान पहले हम मन्नत करते हैं, जैसे किसी भगवान के सामने हम निवेदन किए तो भगवान हमारा अकाउंट खोलते हैं कि हमारे पास पुण्य का बैलेंस कितना है, मतलब बैलेंस है तो उसी पे जो है हमें इंटरेस्ट देते हैं। भगवान जब तक लेते नहीं तब तक देते नहीं, इस चीज को जान लीजिए। सुदामा इतने दिन तक गरीब रह गए और भगवान ने तब तक कुछ नहीं दिया जब तक सुदामा का लिया नहीं। सुदामा का क्या लिया, सुदामा का जो चावल था जब उन्होंने भगवान ने खाया तब दिया, बिना खाए नहीं दिया। द्रौपदी को भी साड़ी तब दी है जब उनकी साड़ी का जो टुकड़ा द्रौपदी ने हाथ में बांधा था तो एक एक रेशे के बदले में साड़ी थी, फ्री में कुछ नहीं दिया, फ्री में कुछ नहीं मिलता, इस चीज को जान लीजिए। चाहे इस लौकिक बात हो चाहे पारलौकिक हो, मतलब अगर कोई व्यक्ति सोचे भगवान भी फ्री में दे दें तो भगवान भी फ्री में नहीं देते। तो धन दो प्रकार से बैंक से मिलता है ना, या तो आपके अकाउंट में बैलेंस हो अथवा क्या हो लोन मिले, लोन के लिए भी आपका क्या देखा जाता है स्टेटमेंट। तो मन्नत, या तो भगवान आपके पुण्य के फल को देख कर दे दे अथवा आपकी मन्नत को पूरा कर, मन्नत मतलब लोन, जब होए तब दे, अभी भगवान दे दे हमें, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं आपका स्टेटमेंट देखते हैं, पिछला रिकॉर्ड कि आपने कितनी मन्नत को मान करके पूरा किया है कि नहीं, पता चला मन्नत मांग दिए और कभी पूरा ही नहीं किया तो वहां पे कोई मन्नत आपकी पूरी नहीं की जाएगी। यहाँ बनिया जीवों ने पहली बार भगवान से मांग रहा है, भगवान ने भी सोचा कभी कुछ किया नहीं, कम से कम इसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई तो, ये श्रद्धा जाने न पाए इसलिए भगवान उसकी मन्नत को पूरा कर रहे हैं। इति लीलावती प्राह पत्नी साधु सप्तमः, ऐसा जो है वह साधु बनिया जो है अपनी पत्नी लीलावती से कहा, एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्त युक्ता आनंद चित्ता भवत् धर्मपरायणा गर्भिणी सा भवत् तस्य भार्या सत्यप्रसाद। भगवान ने उसकी मन्नत को स्वीकार कर लिया और एक दिन जब वह अपने पति के साथ ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई तो भगवान की कृपा से वह क्या हो गई, गर्भवती हो गई। और दसवें मास वयः तस्यः कन्या रत्नम् अजायत, और दसवें महीने में उसकी पत्नी लीलावती के गर्भ से कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। और दिने दिने सा वह वृद्धे शुक्ल पक्षे यथा शशि, वह लड़की धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ना शुरू कर दी और उसका नाम क्या रखा गया, नामना कलावती, चेतन नामकरण हम कृतम, उसका नाम कलावती रखा गया। ततो लीलावती प्रास्वामिनम मधुरम वचम, जब वह लड़की पैदा हो गई उसका छठ वर ही बढ़िया से बीत गया। कुछ समय बीतने पर उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि न करोस किमर्थम वे पूरा संकल्पितम व्रतम, या आपने संकल्प किया था जब हमें कोई संतान हो जाएगी तो हम भगवान की क्या करेंगे, कथा सुनेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, क्या आप नहीं करेंगे। तो जो साधु बनी था बनिया था साधुर उवाच, विवाह समय त्वस्यः करिष्यामि व्रतम प्रिय, उसने कहा हे प्रिय अभी कुछ नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा खर्चा हो गया छठ बरही इत्यादि में, इसका जब मैं विवाह करूंगा तब मैं कथा सुनूंगा तब व्रत करूंगा, अभी कुछ करने वाला नहीं हूं। यदि भार्याम समावस्य जगाम नगरम प्रति, ऐसा जो है उसने अपनी पत्नी को समझाया और कमाने के लिए व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। ततः कलावती कन्या वृद्धे प्रतिवेशवनी, और धीरे धीरे कन्या वह कलावती अपने पिता के घर में बढ़ने लगी और वह विवाह के योग्य
हो गई। तदृष्ट्वा कन्या ततः साधुर नगरम सखभिषः। एक बार जब वह कमा करके जब वह बनिया जब आया, उसने देखा कि लड़की विवाह की योग्य हो गई है, लड़कियों के साथ अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तो उसने अपने दूत को बुलाया। मंत्रित्वा द्रुतम दूतम प्रेषयामास धर्मित। उसने दूत से कहा कि जाओ एक सुंदर लड़का खोज कर लाओ। खोजने के लिए क्यों कहा? स्वयं नहीं गया, उसको पिता था, उसको जाना चाहिए था, इसलिए क्योंकि वह घर जमाई चाहता था। वह घर जमाई, घर पे जो लड़का जिस लड़के से विवाह करे वह घर पे आकर रहे, तो पहले के समय कोई घर जमाई बनना नहीं चाहता था। जिसका कहीं विवाह हुआ नहीं होता था ना, कलकत्ता से लोग लाते थे। इसमें भी कांचनपुर आया है, कथा में भी कांचनपुर मतलब कलकत्ता की बात की जा रही है। तो वह जो है विवाहार्थम से कन्या वरम श्रेष्ठम विचार तेनाज्ञप्त दूतौ सो कांचनम नगरम एव। वह दूत गया और कहां से एक लड़का लेके आया? कांचन नगरपुर नगर से। तो कांचन नगर जो है कहां कहा गया है शास्त्रों में? कलकत्ता को। जिसका विवाह कहीं नहीं हो तो कलकत्ता से लाते हैं, तो कलकत्ता से एक बढ़िया लड़के को खरीद करके लाया। और तस्मादेकम वणिपुत्रम समादाय गतो ही स। उस लड़के को बढ़िया सुंदर दम बढ़िया देखता करके दृष्टवा तू सुंदरम बालम बड़ी पुत्रम गुणान्वितम। गुरु से जान करके ज्ञात भी बंधु ईशार्धम परितुष्टेन चेतसा। अपने भाई बंधुओं से समझ करके उसने लड़की के साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। दत्तवान साधु पुत्राय कन्याम विधिविधान। विधिविधान से उसने लड़की का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश ततो अभाग्यवशातेन विस्मृतम व्रत उत्तमम। लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करना संकल्प जो लिया था भूल गया। विवाह समय तस्यास्ते दुष्टो अभवत प्रभु। और भगवान का व्रत न करने के कारण भगवान क्या हो गए? क्रोधित हो गए। और ततः कालेन क्रियतो निज कर्म विशारदः वाणिज्यार्थम ततः शीघ्र जामातृ सहितो वै। अब भगवान जो है क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया कि जाओ तुम नित्य प्राप्तम दुख मुहुर मुहु, रोज नए नए दुख को प्राप्त करोगे, ऐसा श्राप दे दिया। और वह जो वणिक था, व्यापारी था, अपने दामाद को साथ में लेकर के कि चलो हमारा बिजनेस कहाँ कहाँ तक है तुमको दिखा ला, तुम्ही को संभालना सब है, ऐसा दिखाने के लिए लेके चल पड़ा। और कहाँ गया? रत्नसार पुरे रम्य गत्वा सिंधु समीपतः। कहाँ गया? रत्नसारपुर नामक नगर में गया। रत्नसारपुर नामक नगर क्या है? सूरत। सूरत का प्राचीन नाम रत्नसारपुर है। आज भी ही सूरत गुजरात में है ना, रत्नसारपुर। आज भी हीरे की कटिंग वहां की जाती है। तो वहां पे गया और कैसे गया? जामात्रा श्रीमता, अपने जामाता के दामाद के साथ। तो गता नगर एरम में चंद्र केतु निपश्य ए तस्मिन् एव काले तु सत्यनारायण प्रभु भ्रष्ट प्रतिज्ञम आलोक्य शापम तस्मै प्रदत्तवान दारुणाम कठिनम चास्य महत् दुखम भविष्यति। भगवान ने भी वो जो श्राप दिया था कि अभी तुम नए नए दुख को प्राप्त करोगे, तो भगवान ने माया रची। भगवान को देखो कुछ करना नहीं है, जैसे मकड़ी क्या करती है, जाला बुनती है। तो जाला कैसे कहीं मटेरियल बाहर से लाती है? नहीं लाती ना, वह अपने से उस मटेरियल को उत्पन्न करती है और कभी वह उसमें बजती नहीं है, जाले में वो कभी खुद नहीं बजती। तुम भगवान माया को उत्पन्न करते हैं और कभी माया के वशीभूत नहीं होते, वो माया में नहीं फंसते, माया में हम जैसे जीव फंसते हैं। भगवान ने माया रची और माया से क्या किया? चोर बनाया। एकस्मिन् दिवस ये राज्यो धन मादाय तस्कर। भगवान ने चोर बनाए और चोरों को कहाँ भेजा? राजा का धन चुराने के लिए। वे राजा का धन चुरा करके तत्रैव चागतश चौरो वाणिज्यो यत्र संस्थितौ। वे चोर वहीं पर आए, वो धन लेकर जहाँ पे दोनों टिके हुए थे वह धन वहीं पर रख दिया। इतने में राजा के सैनिक आ गए। तत्पश्चात धावकान दूतान दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप तत्रैव स तु शीघ्रम अलिच्छतः। उतने में राजा के दूत जो राजा के जो सैनिक थे पीछे दौड़ते हुए आए और धन कहां बरामद किए? वहीं पे जहां वे दोनों बड़ी बनिया जो है टिके हुए थे। ततो दूता समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणि दृष्ट्वा निर्धनं तत्र बध्वानीतो वणिस्तो हर्षेण धाव मानस प्रोचुर निपसमीप तस्कर द्वेषम आनीतो विलोक्याप्य प्रभो। वे राजा का धन वहां से बरामद करके उन दोनों को पकड़ के राजा के पास लेकर आए और खड़ा कर दिए। और उन्होंने कहा कि हमने दो चोर पकड़े हैं क्योंकि बाहर से आए हुए थे, जितना महीने भर में चोरी हुई थी सब इनके ऊपर रोप दिया, आरोप लगा दिया कि ये सब बाहरी चोर हैं।
सब कुछ और देखो छुड़ा के इतना धन बटोरे हुए हैं, अपना जी छुड़ा लिए ना, पुलिस भी यही करती है। राज्ञा ज्ञप्तः ततः अशीघ्रं दृढ़ं बद्ध्वा तुताउ भ, राजा ने दोनों को बंधन में डाल करके स्थापित दो महादुर्गे कारागारे विचार तक, दोनों को महान कारागार में डाल दिया बिना विचार क्योंकि चोरी किए हैं कि नहीं किए, सोचा कुछ नहीं, और दोनों को जो है कारागार में डाल दिया। माया सत्य देवस्य न सुतम कस्योर वचः, भगवान की माया से मोहित होने के कारण किसी ने भी उनके वचन को सुना नहीं। अतस्तयोर धनम राज्ञा गृहीतम चंद्रकेतुना, और उन चंद्रकेतु महाराज ने जो उनका धन था वह सब क्या कर लिया, जब्त कर लिया। तत्पश्चात योगे हे भार्या चैव अति दुखिता, और भगवान ने वही जो चोर थे जो माया से रचे हुए थे उनको कहां भेज दिया, उनके घर पे, किसके लिए, चोरी करने के लिए। और चोरों ने क्या किया, उनका सारा धन चुरा लिया। चोरेणापहृतम सर्वम गृहे यच स्थितम धनम, चोरों ने घर पे जितना भी धन था अपहृत कर लिया अर्थात चुरा लिया। आदि व्याधि समायुक्ता छुतपा साति दुखिता अन्न चिंता पराभूत्वा प्रभाम च गृहे गृहे, और वे आदि व्याधि से जब घर में कुछ है नहीं, खाओगे पियोगे नहीं तो रोग तो होना सब भाई निश्चित है, अब वे रोगों से जो है ग्रसित हो गए। और छुतपा पासाति दुखिता, अब जब शरीर में नाना प्रकार के रोग हो गए, कमजोरियां हो गई, तो अन्न चिंता, एक अन्न की चिंता से एक घर से दूसरे घर मांगना चालू कर दिया। अन्न चिंता पराभूत्वा प्रभाम च गृहे गृहे, एक घर से दूसरे घर पे भटकना आरंभ कर दिया। कलावती तु कन्या विभ्राम प्रतिवासरम, कलावती जो कन्या थी एक घर से दूसरे घर पे रोज जाना आरंभ कर दी, भाई गांव वाले कितने दिन संभालेंगे, तो एक गांव से दूसरे गांव, एक घर से दूसरे घर, ऐसा जो है वह प्रतिदिन जो है जाने लगी। एकस्मिन् दिवसे याता सुधार्ता द्विज मंदिरम, एक दिन की बात है वह सुधार्ता, सुधा मतलब भूख से पीड़ित हो करके द्विज मंदिरम एक ब्राह्मण के घर पे गई। अवगत्वा अपश्यत व्रतम तत्र सत्यनारायणस्य च, गत्वा का अर्थ है जाकर के, जाकर के अपश्यत देखा, क्या देखा, व्रतम तत्र सत्यनारायणस्य च, वहां पे सत्यनारायण के व्रत को देखा कि वहां पे सत्यनारायण का सुंदर व्रत हो रहा है। उपविश्य कथां सुत्वा, उपविश्य का अर्थ होता है बैठ करके, उसने बैठ करके कथां सुत्वा भगवान का कथा सुना। और वरम प्रार्थित वत्यपि, और भगवान से वर भी मांगा, वर की प्रार्थना की अर्थात याचना की, अपनी मनोकामना को कहा। प्रसादम भक्षणम कृत्वा ययो रात्रो गृहं प्रति, और प्रसाद को खा करके ययो रात्रो गृहं प्रति अपने घर की ओर चल पड़ी। माता कलावती कन्या कथयमास प्रेमतः, जब घर पे जब पहुंची तो उसकी माता ने पूछा कि रात होने पे घर पे आई थी कि पुत्री रात्रो स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्ते, हे पुत्री तुम रात में कहाँ उठ गई थी, तुम्हारे मन में क्या है, इसलिए प्रश्न पूछा क्योंकि पति तो था नहीं और तुम अकेले घूम रही हो। लड़कियों का, स्त्रियों का जो है अकेले कहीं घूमना शास्त्र ने वर्जित किया हुआ है, इसलिए पूछा कि तुम रात में कहाँ थी, बताओ किम ते मनसि वर्ते, तुम्हारे मन में क्या है। कन्या कलावती प्राह, कन्यावती कन्या ने कहा मातरम प्रति सत्वरम, माता की ओर देखकर सत्वर मतलब जल्दी से, उसने माता की ओर जो है देख करके जल्दी से कहा। द्विजाले व्रतम मातर दृष्टम वांछित सिद्धितम, हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में वांछित सिद्धियों को, जो हम चाहते हैं ऐसी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले एक व्रत को देखा है। जैसे ही कहा कि वांछित सिद्ध जो हम चाहते हैं वैसे मन को, वैसी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला व्रत, तुरंत उसकी माँ को याद आ गया सत्यनारायण नामक व्रत जो पूर्व संकल्पित व्रत था। तस्वा कन्या का वाक्यम व्रतम कर्तुम समुद्रता, उस व्रत को जैसे ही सुना तो उसके मन में आया तुम्हारे पिता ने संकल्प किया था, आज हमारी जो यह दुर्दिन चल रहा है, खराब समय आ गया है, हो सकता है उसी व्रत के प्रभाव से है, हमें वह व्रत करना चाहिए। उस व्रत करने के लिए समुद्रता वह उद्यत हुई। सामुदा तु वड़ी गभार्या सत्यनारायण से च व्रतम चक्रे सहयोगी बंधु स्वजन स, और अपने बंधु भाइयों के साथ मिल करके उसने भगवान की क्या की, पूजा अर्चना की, कथा का श्रवण किया, व्रत किया। और भर्तृजा मातरो क्षिप्रम आगच्छेताम स्व आश्रम,
और भगवान से उसने प्रार्थना की कि हमारे दामाद हमारे पति जहाँ कहीं हो वे कार्य शीघ्रातिशीघ्र घर पे आ जाएं। अपराधम च मे भर्तु जामातु क्षन्तुमर्हसि, हमारे भर्तुतार्थ पति ने और दामाद ने यदि कोई गलती की हो तो हम उसकी क्षमा याचना करते हैं। और व्रतेन अनेन तुष्टो सत्यनारायण पुनः, इस व्रत के द्वारा पुनः सत्यनारायण भगवान क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, क्योंकि दीनानाथ हमने क्या कहा है, बड़े दयालु हैं, कहा कि कोट एक नहीं दो नहीं करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का अगर पाप भी तुम्हारे पास है, अगर भगवान की शरण में चले जाओगे तो दीनानाथ उसी क्षण भूल जाते हैं और उस भक्त को क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं, लेकिन बसरते तुम शरणागत हो जाओ। यह भगवान कहते हैं स्वयं कि तुम हमारे तरफ एक कदम बढ़ाओगे हम तुम्हारे तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन एक कदम बढ़ाओ तो दर्शयामास स्वप्नम ही चंद्र के तुम निपोत्तमम, भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा को जो है एक स्वप्न दिया। क्या कहा, बंदिनो मोचे प्रातर वर्जो निसत्तमा, हे राजन दोनों जो बंदी हैं कौन है, वणी वन व्यापारी हैं, इनको प्रातः काल क्या करो छोड़ दो। और देयम धनम च तत्सर्वम गृहीतम त्वया अधुना, कि जो आपने धन इनका ग्रहण किया है जब्त किया है इसे क्या करो दे दो, और नहीं तो क्या करेंगे नो चेत त्वाम नाशयिष्याम स राज धन पुत्रकम, नहीं तो चेतावनी दी भगवान ने, नाशयिष्याम नष्ट कर दूंगा स राज धन पुत्रकम, मैं तुम्हारा राज्य धन सब कुछ नष्ट कर दूंगा। एवं भाष्य राजान राजानं ध्यान गम्य ओ अभवत प्रभु, ऐसा कह करके राजा से भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। ततः प्रभात समय राजा चो सजनै सह, सुबह जब हुआ तो राजा उठा और अपने स्वजन के साथ अपने मंत्रियों के साथ उसने मंत्रणा की, हमने रात में एक ऐसा स्वप्न देखा जिसमें भगवान आकर के ऐसा ऐसा कहे। तो उपवेश सभा मध्य प्राह स्वप्नम जनम प्रति, उसने सभा में बीच में भी यही प्रश्न दोहराया। तब लोगों ने एक विचार दिया कि स्वप्न है, हो सकता है सच हो जाए, सपना भी कभी कभी सच होता है। रामचरित मानस में आप अध्ययन करेंगे तीन जगह स्वप्न की चर्चा हुई है और तीनों जगह स्वप्न सच हुए हैं। पहला स्वप्न कहाँ देखा, भगवान सीता जी ने देखा है, जब भगवान जंगल में है, भरत आगमन होने वाला है भरत का, उस समय की बात है कि रात में स्वप्न देखा है। तब उन्होंने कहा कि सब स्वप्न यह नीक न हुई, कहा यह स्वप्न जो है अच्छा नहीं होगा, क्योंकि स्वप्न में क्या देखा था, माताएं जो है दूसरे भेष में थी, सफेद साड़ियों में थी, तो यह स्वप्न अच्छा नहीं है, तो इसलिए वहां पे कहा कि स्वप्न हो सकता है। और हुआ भी उसी दिन जो है भरत जो है माताओं के साथ जो है भगवान को लेने के लिए आए हैं। और दूसरा स्वप्न जो है वहां पे देखा है, कहा त्रिजटा अशोक वन में, वहां पर भी देखा ना, हाँ कि जो है खंडित भुजबीसा और रावण जो है को, हाँ गर्धव के ऊपर गधे के ऊपर बैठा हुआ है, मुंडित सर जो है मुंडित है खंडित भुजबीसा, हाँ तो ऐसा वहां पर भी स्वप्न सच हुआ। स्वप्न कभी कभार सच होता है, इसलिए जो है मंत्रियों ने कहा कि स्वप्न हो सकता है सच हो जाए, इन दोनों को छोड़ दो, कौन विपत्ति मोल ले, छोड़ो इन दोनों को। राजा ने समझ बूझ करके जो है शीघ्रम मोचे द्वय वणिक सुतो, दोनों वणिक सुतों को अर्थात व्यापारियों को क्या किया, छोड़ दिया। इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचित्वा महाजनो समानीय निप्रस्य अग्रे प्रावस्ते विनियामिता, वे दोनों जो है राजा के सामने लाए गए। आनीतो दो वणिक पुत्रो मुक्तो निगबंधनात्, दोनों जो है मुक्त निगबंधनात् अर्थात दोनों का बंधन मुक्त करके राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। ततो महाजनो नत्वा चंद्र केतु निपोत्तमम, तब राजा ने उन दोनों से कहा कि अब तुम लोग जो है जा सकते हो। तो इस वृत्तांतो पूर्ववृत्तांतम नो चतुर्भय बिहलो, वे अपने पूर्व वृत्तांत का कि हम गलती तो कुछ नहीं किए थे फिर भी हमें जेल में डाल दिया गया, ऐसा सोच करके वे दोनों क्या हुए, भाव विह्वल हो गए, रोने लगे कि भगवान की असीम अनुकंपा हुई कि आज राजा समझ पाए कि हम लोग जो क्या थे निर्दोष थे। ऐसा सोच करके वे दोनों जो है भाव विह्वल हो गए, भय विह्वल और डरे भी, क्या हो सकता है कि आज राजा ने हमें, दो चीजें यहाँ पे हैं,
वे भय विह्वल और भाव विह्वल दोनों बातें यहाँ आएंगी। वे भय डर से भी कप गए कि हो सकता है बिना गलती के हमें जेल में डाला गया, आज राजा हमें दरबार में बुलाया है, हो सकता है कहीं फांसी ना दे दे, ऐसा सोच करके भय विह्वल हो गए। और मान भगवान की कथा है, कुछ संतों का कथन है, यहाँ पे वे भाव से विह्वल हो गए अपने इस स्मरण को सोच पूर्व वृतांत को सोच करके। तब राजा ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। राजा वरिष्ठ वचह प्रोवाच सादरम, राजा ने कहा सादर पूर्वक आदर पूर्वक कहा, दैवात प्राप्तम महद दुखम इदानीम नास्ति वै भयम। हे वरिष्ठ पुत्रो, अब लोग तुम डरो मत, दैवात प्राप्तम महद दुखम, यह दुर्भाग्यवश तुम्हें यह महान दुख प्राप्त हुआ है, नास्ति वै भयम, इस समय कोई भय नहीं है। और क्या किया, तदा निसत्याग्य असंत्याग्यम छोर कर्मद अधिकार्य, उन दोनों को बुलाया और उनका छोर कर्म दाढ़ी बाल इत्यादि बनवाया और वस्त्रालंकार कम दत्वा परितोष्य निपस्यतौ, और वस्त्र अलंकार दे करके उन्हें जो है प्रसन्न किया और पुरस्कृत्य वरिक पुत्र वचसा तोषद एभजम, और उन्हें बहुत सारा पुरस्कार में धन दे करके प्रसन्न किया। पुरा नीतंतु यद्रव्यम द्वि गुणीकृत दत्तवान, और जो उनका धन जब्त किया था उसे दुगुना करके दिया। प्रोवाच च ततो राजा गच्छ साधोन याश्रमम, वे लोग राजा से हाथ जोड़कर कहे कि हे महाराज, हम आपकी कृपा से अब अपने अपने घर को जा रहे हैं। ऐसा राजानं परिपत्य गंतव्यं तो प्रसाद इत्युक्त्वा तो महावैश्यो जगमतु स्वगृहं प्रति, ऐसा राजा से कह करके वे सब अपने घर की ओर अपने नगर की ओर चल पड़े। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्याय लेवाके बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अभी दो अध्याय और शेष हैं, भगवान का ध्यान करेंगे तो उसी पत्र नहीं, अभी स्पिन करने का चलेगा ना। वांछितं दुर्लभं यो ददाते प्रभो, वांछितं दुर्लभं यो ददाते प्रभो, साधवे स्वात्म भक्ताय भक्ति प्रिया, सर्वभूताश्रयं तं हि विश्वंभरं, सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे, सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। पुलिस्ते सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोतुवाच यात्रां तु कृतवान साधुर मंगलया मंगलायन पूर्विकां, ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा तदा तु नगरम यैव। सूतवाच, भगवान सूत कह रहे हैं कि यात्रां तु कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विकां, वह साधु जो वणिक था मंगलाचरण करके भगवान का मंगल स्तुति इत्यादि करके पूजन पाठ करके जो है यात्रा की तैयारी करने लगा। और क्या किया, ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा, कुछ ब्राह्मणों को धन भी उसने दिया। तदा तु नगरम यैव, वो अपने नगर के लिए बढ़िया से तैयारी करने लगा। और कहाँ तैयारी कर रहा है, समुद्र के किनारे की बात है, रत्नसारपुर नगर की। तो कियत दूरे गते साधो साधो सत्यनारायण प्रभु, जैसे ही वहां पे वह तैयारी कर रहा था, सत्यनारायण भगवान के मन में ऐसा आया, किसकी परीक्षा लेनी चाहिए। जिज्ञासा कृतवान साधो किमस्तो नौस्थितम, भगवान के मन में जिज्ञासा हुई कि इतने दिन यह जेल में रहा, कारावास में रहा, कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। भाई बनिया जो था, जो व्यापारी था, उसकी गलती क्या थी। गलती केवल एक थी, वह कंजूस था, धन खर्च नहीं करना चाहता था। तो भगवान ने सोचा कि कुछ कंजूसी इसकी दूर हुई कि नहीं हुई, चल के थोड़ा परीक्षा लिया जाए। तो एक दंडी सन्यासी का रूप धारण किए और जा करके पूछे किमस्तितो नौस्थितम, कि हे महाराज, हे महाजन से कहा, हे महाजन, हे सेठ, तुम्हारी नौका में क्या है। ततो महाजनो मत्तो हेलया च प्रहरस्य वै, जब महाराज भगवान ने पूछा तो वह व्यापारी
महाराज को देख करके अवहेलना पूर्वक हंसा। हंसने का दो कारण है यहाँ पे, अगर पौराणिक कथाओं की ओर जाएंगे, इसलिए हंसा कि दंडी सन्यासी हैं आप, सन्यास ले चुके हैं, और सन्यासी को किसी के घर में ताक झांक नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अगर जो सन्यास ले लिया है वह किसी के घर में ताक झांक न करे। हमारी नौका में क्या है क्या नहीं, आपको क्या मतलब, आप तो सन्यास ले लिए, नॉर्मल सी बात है ना। इसलिए वह हंसा। अगर पौराणिक अर्थ निकालें बढ़िया इसका भाव देखें तब, और इसलिए भी हंसा कि सन्यास ले लिए हैं लेकिन अभी तक लालच नहीं गया है। भाई अभी भी पूछ रहे तुम्हारी नौका में क्या है, क्यों पूछ रहे, इसलिए वह हंसा यहाँ पे। तो कथम पृच्छसि भो दंडिन मुद्रा ने तुम किमच्छसि, उसने पूछा महाराज कथम पृच्छस, हे नारायण क्यों पूछ रहे हैं, क्या कुछ मुद्रा लेने की धन लेने की इच्छा रखते हैं। उसने कहा सुनो महाराज, लता पत्रादिकम च वर्तते तरणौ मम, हे महाराज मेरी नौका में धन नहीं है, इसमें लता पत्रादि है, मैं मसालों का व्यापारी हूँ, हमारी नौका में सब मसाले तेज पत्ता इत्यादि है, इसमें पैसा नहीं है। तो निष्ठुरम च वच हसुत्वा सत्यम भवत्ते वच, निष्ठुर वाणी में कोई प्रेम नहीं था, स्नेह नहीं था, भगवान समझ गए हमारी अवहेलना कर रहा है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सत्यम भवतु ते वचः, जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही हो, लता पत्रादित ही रहे, ऐसा कहकर कुछ दूर पे जा करके बैठ गए। एव मुक्त्वा गतः शीघ्रं दंडी तस्य समीपतः, कि यद् दूरे ततो गत्वा तस्य समीपतः, गते दन्य साधुस्य कृत नित्य क्रियस्तदा उथितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं यैव। जब दंडी सन्यासी कुछ दूर पे गए तो अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ, जब वह बनिया तो वह देखा कि उसकी नौका कुछ जो है हल्की हो गई है, ऊपर आ गई है जल के, वह जब तिरपाल इत्यादि हटाया तो वहां पे क्या देखता है कि धन ही नहीं है, वहां पे सब पत्ते इत्यादि हो गए हैं, मसाले इत्यादि हो गए हैं। दृष्ट्वा लता अधिकम चैव मूर्छितो ने पदभुवे, वह वहां पे लता पत्रादि को देख करके वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। लब्ध संज्ञो वणिक पुत्राश्चिन्तितो अभवत्, उसके दामाद ने उसको किसी प्रकार से होश में लाया और कहा तदा तु दुहितः कान्तो वचनं चेदं अब्रवीत, तब उसके दामाद ने उनसे कहा सुनो महाराज किमर्थं क्रियते शोकः सापो ततश्च दंडिना, उसने कहा हे पिताजी शोक मत करिए, दंडी सन्यासी ने ही श्राप दिया है, वही चाहे तो सब कुछ सुधर सकता है। शक्यते तेन सर्वम ही कर्तुम चात्र संशय, वे जो चाहे कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः शरणम यामो वांछितार्थो भविष्यति, यदि हम वांछित कार्य चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, तो अतः शरणम यामो, हमें उनके शरण में जाना चाहिए। जामातुर्वचन हम श्रुत्वा तस्कातम गतसदा, जामाता के दामाद के वचनों को सुन करके तस्कासम गतसदा, वे क्या किए उनके शरण में गए, भगवान के शरण में गए। दृष्ट्वा च दंडिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरम, दंडी सन्यासी को देख करके वह बनिया जो है दंडवत प्रणाम किया, भगवान के चरणों में लेट गया, और प्रोवाच सादरम आदर के साथ भगवान से कहा क्षमस्व च अपराधम में ये युक्तम तव सन्निधौ, उसने कहा हे महाराज मैंने आपके सामने जो झूठ बोलने का अपराध किया है वह सब आप क्या करिए क्षमा करिए। एवं पुनः पुनत्वा महाशोका कुलो अभवत, ऐसा कह करके बार बार वह महान शोक से व्याकुल हो गया। प्रोवाच वचनम दंडी विलपंतम विलोक्य च मारोदी सुडमद वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख, प्रोवाच वचनम दंडी विलपंतम विलोक्य, उसे रोता हुआ देख करके वह दंडी सन्यासी जो है बोले कि मारोदी रो मत सुडमद वाक्यम, मेरी बात को सुनो, मम पूजा बहिर्मुख, मेरे पूजा से बहिर्मुख होने के कारण अर्थात मेरी पूजा को न करने के कारण, ममाज्ञया च मेरी आज्ञा से दुर्बुद्धे लब्धम दुख मुहुर्मुहु, हे दुर्बुद्धि तुम बार बार नए नए दुख को प्राप्त कर रहे हो। तस्तुत्वा भगवत वाक्यम स्तुतिम कर्तुम समुद्रतः, जब भगवान ने ऐसा कहा तो वह बनिया हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगा।
देखा, जब काम न बने तो प्रशंसा करिए, नॉर्मल सी बात है। और भगवान जो है प्रशंसा करना आरंभ किया, साधु उवाच, साधु बोलता है तन माया मोहिता सर्वे ब्रह्मात्मिक सो न जानन्ति गुणान रूपम तव आश्चर्यम इदं प्रभो। उसने कहा हे महाराज, तन माया मोहिता सर्वे, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्माद्य कि ब्रह्माद्य न ब्रह्मायादि बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े देवता आपको कभी पहचान ही नहीं पाए। तो न जानन्ति गुणान रूपम तव आश्चर्यम इदं प्रभो, आपके गुणों को, आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाए। मूढ़ो हम, मैं तो महामूर्ख हूँ, त्वाम कथम जाने मोहितस्तो माया। और आपकी माया के द्वारा क्या था, मोहित भी था। उसे देखिए, यह जो कथा का वर्णन है ब्रह्मादिकसो, कि ब्रह्मादिकस का अर्थ होता है कि ब्रह्मायादि बड़े बड़े। तो ब्रह्मा कहाँ मोहित हुए, भागवत का जब आप अध्ययन करेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण दशम स्कंध में जब गाय इत्यादि चरा रहे हैं, तो ब्रह्मा के मन में आया कि ये महाभगवान हैं जो गायों को चरा रहे हैं और ग्वाल बालों के साथ उनके साथ मिल करके जूठा भोजन कर रहे हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया था, गायों का अपहरण कर लिया था ब्रह्मा जी ने। तो भगवान ने माया से वहां माया भी रची थी और पुनः गायों जैसे गाय थी, जैसे ग्वाल बाल थे, सबको रच दिया। ब्रह्मा आश्चर्यचकित, जब ब्रह्मलोक में देखते हैं तो वहां सब गाय हैं, नीचे देखते हैं तो भगवान के पास पूरी गाय हैं, वे आश्चर्यचकित हो गए। तो ब्रह्मा जाकर के जो है भगवान की स्तुति किए हैं और कहे नमो पशुपांग जाय, भगवान का उनका पशुपांग जाय, पशुपति के रूप में जो है भगवान का पूजन अर्चन किया है। यहाँ पर भी वही वर्णन आया कि ब्रह्मा आदि बड़े बड़े महात्मा आपको समझ नहीं पाए। मूढ़ो हम, मैं तो महामूर्ख हूँ, और मोहितस्तो माया, और आपकी माया के द्वारा मोहित भी था। प्रसिद्ध पूजस्याम यथा विहो बिस्तरे, हे महाराज जैसा मेरे पास धन धान्य है उसके अनुसार मैं आपकी पूजा अर्चना करूंगा। पुरा वित्तम च तत्सर्वम त्राहिमाम शरणागतम, पुरा वित्तम च तत्सर्वम, मैं अकेले आपकी शरण में नहीं आया हूँ, बनिया है इसके लिए जो है पूरी पूरी बुद्धि लगा दिया। उसने कहा मैं अकेले नहीं आया हूँ, पूरा वित्तम च तत् सर्वम, मेरा जो पहले का धन है वह और मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। त्राहिमाम शरणागतम, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हमने कहा ना, जो भगवान की शरण में चला जाता है और कोटि हजारों करोड़ों ब्रह्म हत्या किया हो तो भी भगवान भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं। सुत्वा भक्ति युतम वाक्यम परितुष्टा जनार्दनः, भक्ति युक्त वाक्य को सुन करके जो है भगवान संतुष्ट हो गए। और वरम च वांछितं दत्त्वा तत्र अंतर धरे हरि, और वांछित वर को प्रदान करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ततो नामम समारोह दृष्ट्वा वित्त परिपूरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वांछितं मम इति उक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि। वह अपनी नौका में गया, देखता क्या है, जो जैसे धन था उसका सब वैसे हो गया, सबके साथ मिल करके जो है उसने भगवान की यथावत जिस प्रकार उसके पास व्यवस्था थी उससे उसने भगवान की पूजा अर्चना की। हर्षेण चाभूत पूर्ण सदैव प्रसादतः नावम संयोज्य यत्नेन स्वदेश गमनम कृतम, अपने नाव को फिर से बढ़िया से सुसज्जित कर कर करके वह अपने स्वदेश गमनम कृतम, अपने देश की ओर जो है वह गमन किया, चल पड़ा। साधु जामातरम प्राह पश्य रत्नपुरी मम, साधु और जामाता उसका दामाद क्या देखता है उसकी नगरी जो है आ गई, और उस नगरी का क्या है रत्नपुरी मम। दूतम च प्रेषयामास निज वित्तस्य रक्षकम्, उसने अपने एक दूत को जो है अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी पत्नी के पास भेजा। ततो असौ नगरम गत्वा साधुर भार्या विलोक्य च प्रोवाच वांछितं वाक्यं नत्वा बन्धा जलिस्तथा। जब वह नौकर पहुंचता है, दूत पहुंचता है, तो देखा क्या कि उस समय जो लीलावती है वह भगवान की पूजन अर्चन कर रही थी। तो वह बताया, हाथ जोड़ करके बताया कि निकटे नगर से वह जामात्रा सहितो मणिक, कि हे सेठानी, अपने जामाता के साथ सेठ जी बहुत धन धान्य के साथ बंधु वर्गय से वित्त से बहुभीर युतः, अपने भाई बंधुओं के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ आ गए हैं। सुत्वा दूत मुखाद वाक्यम महाहर्षवती सती, कि सुत्वा दूत मुखाद वाक्यम,
दूत के मुख से ऐसे वाक्य को सुनकर के महाहर्षवती सती व सती साध्वी लीलावती बहुत प्रसन्न हुई और सत्य पूजा कृत्वा प्रोवास तनुजाम प्रति भगवान सत्यनारायण की पूजा करके प्रोवास तनुजाम प्रति अपनी लड़की की ओर देख करके वह बोली कि ब्रजामि शीघ्रम आगच्छ साधु संदर्शनाय च, कि जल्दी से आओ, हमें साधु का दर्शन करने जाना है, मतलब अब उनके तुम्हारे पिताजी था का दर्शन करने जाना है। इति मातृवच हसुत्वा व्रतम कृत्वा समाप्य च, माता की वचन को सुन करके पूजा पाठ को समाप्त करके प्रसादम च परितज्य गता साप पतिम प्रति, वो जल्दबाजी में प्रसाद को नहीं खाई और पति को देखने के लिए चल पड़ी। तेन रुष्ट सत्यदेव भर्तारं तरणीं तथा, अब भगवान सत्यनारायण क्या हो गए, रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए। अभर्तारं तरणीं तथा, और उसके भर्तार को अर्थात पति को तरणी के साथ, तरणी मतलब नौका के साथ लेकर के, संहृत च धनय सार्धं जले तस्याम अज्जयत, जल मज्जयत का अर्थ है डुबो देना, उसके पति जितना भी धन धान्य था उसके साथ क्या कर दिया, डुबा दिया। ततः कलावती कन्या न विलोकिनी जंपति, और जैसे ही कलावती पहुंची तो क्या देखी, सब दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन उसका पति दिखाई नहीं पड़ रहा है। शोके न महता तथा उदंती चापद भवे, अभी सब शोक करके जो है रोना आरंभ कर दिए। दृष्ट्वा तथाम विधाम नामम कन्या च बहुदुखिताम भीतेन मनसा साधु किम आश्चर्यम इदम भवेत, अब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक यह कैसा आश्चर्य हो गया, सबकी नौका है, उसके पति की नौका कहाँ चली गई। सब जो है चिंतया मानस थे सर्वे बभुवस्त वाहिका, जितने वाहका थे नाविक थे सब जो है चिंता में पड़ गए। ततो लीलावती कन्या दृष्ट्वा सा बिल्लाभवत, बिल्लापद दुखेन भर्तारं चेदम अब्रवीत, इदानीं नौकया सार्धं कथं शुभलक्षितः न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव साहृता, सद्देवस्य महात्म्यं ज्ञातुमा केन शक्यते। सब लोग बड़े बड़े चिंतन में करने लगे, लड़की रोने लगी, विलाप करने लगी, सब लोग चिंता पड़ गए, पता नहीं किस देवता की अवहेलना के कारण ऐसा हो गया। तो कहते क्या है, इदित्वा बिललाप ततः स्वजनैः सह, ततो लीलावती कन्या क्रोडे कृत्वा रुद्धोदः, तथा कलावती कन्या नष्टे स्वामिनी दुखिता गृत्वा पादुके तस्यांगनं च मनोदहे। अब लड़की कन्यावती ने मन में निश्चय किया कि हमारे पति जिंदा है नहीं तो मुझे भी जिंदा नहीं रहना है, जीवित नहीं रहना है, तो उनके पादुका को लेकर के जो है उसने सती होने का मन में निश्चय कर लिया। कन्याया चरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनोऽणि, कन्या के ऐसे चरित्र को देख करके, मतलब सती होने के चरित्र को देख करके, वह भार्य सभार्यः सज्जनोऽणि, वह भार्या के साथ वह जो वणिक था वह चिंतित हो गया। अतिशोकेन संतप्त, अतिशोक से संतप्त होने के कारण, और चिंतया मास धर्मित, और चिंता के कारण जो है अति अधिक दुखी हो गया। हृतम वा सत्यदेवेन भ्रांतो हम सत्यमाया, उसने कहा या तो हम, या तो यह नौका जो है सत्यदेव भगवान ने अर्थात सत्यनारायण महाराज ने जो है अपहरण कर ली है, अथवा भ्रांतो अहम सत्य माया, हम सत्य भगवान सत्यनारायण की माया से क्या हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, मोहित हो गए हैं। सत्य पूजाम करिष्याम यथा विभो विस्तरे, सत्य पूजाम करिष्याम, मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, यथा विभव विस्तरे, जैसा मेरे पास धन धान्य है। इति सर्वान समाहूय कथित्वा मनोरथम, ऐसा सब लोगों को बुला करके उसने कहा, यदि मेरा दामाद आ जाता है तो मैं जो भी मेरे पास धन धान्य है उसके अनुसार मैं भगवान की क्या करूंगा, पूजा अर्चना करूंगा। नत्वा च दंडवत भूमो सत्यदेवम पुनः पुनः, नत्वा च दंडवत भूमो, दंडवत होकर के भूमि पर वह भगवान को बार बार प्रणाम करने लगा। ततः तुष्ट देव दीना सत्यदेव दीना नाम परिपालक, उसके ऐसे आचरण को देख करके दीनानाथ भगवान जो है पुनः संतुष्ट हो गए। जगाद वचनं चैनं कृपया भक्तुसरा त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्या पतिं द्रष्टुं समागता, अतो अदृष्टो भवत् तस्याः कन्यकाया प्रतिध्वं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा आयाति चेत पुनः। उसी समय आकाशवाणी हुए कि तुम्हारी पुत्री ने भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, गृहं गत्वा घर पे जाए और भुक्त्वा भगवान के प्रसाद को भुक्त्वा मतलब खा करके आए तो पुनः अपने पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय
नहीं है। क्षिप्रम तथा गृहम गत्वा प्रसाद च बुभूषा, वह कलावती कन्या दौड़ते हुए जल्दबाजी में घर पे गई और भगवान का प्रसाद खाया, क्षमा याचना की और पुनः पश्चात सा पुनरागत्य दर्श स्वजनम प्रति, पुनः वह घर पे यहाँ पे आई और क्या देखती है, उसका पति जो है तैरते हुए, क्योंकि नौका तो डूब गई थी, तो उसका पति जो है तैरते हुए आया। तथा कलावती कन्या जगात पितरम प्रति, तब उसकी कन्या जो कलावती थी अपने पितरम प्रति अपने पिता से कही कि दानिम च गृहम या विलंबम कुरुषे कथम, कि अब हमें घर की ओर चलना चाहिए, अब देर क्यों कर रहे हैं। तस्वा कन्या वाक्यम संतुष्टो अभूत वणिक सुतः, उसकी इस प्रकार कन्या के वाक्य को सुन करके वह वणिक पुत्र जो है संतुष्ट हो गया और पूजनम सत्यदेव से कृत्वा विधिविधानतः, भगवान सत्यनारायण का पूजन करके विधि विधानतः, भगवान सत्यनारायण के पूजन को विधि विधान से करके वे अपने घर की ओर चले गए। धनैर बंधुगण सार्धम जगाम निज मंदिरम, पूर्णमास्याम च संक्रांतौ कृतवान सत्यस्य पूजनम इह लोके सुखम भुक्त्वा चन्ते सत्पुरम यैव। इस प्रकार से वह प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर, पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर जो है भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करने लगे और यह लोक इस लोक में नाना सुखों का उपभोग करके अंत में कहा कि गए सत्यपुर को अर्थात वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस चंद्रपुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रतथायाम चतुर्थो अध्याय रेवा के बिहारी लाल की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब पंचमी अध्याय में भगवान कह रहे हैं, हमें तुलसी पर ले लेंगे, ध्यान करेंगे भगवान का। नहीं बड़ा नहीं है। सर्व काम प्रदम सर्वदा सत्प्रियम, सर्व काम प्रदम सर्वदा सत्प्रियम, वंदितम देव बृंदैर मुनिन्द्रार्चितम, पुत्र पौत्रादि सर्वेष्टदम शाश्वतम, सत्यनारायणम विष्णुमी संभजे, सत्यनारायणम विष्णुमी संभजे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूतुवाच अथान्यच प्रवच्याम श्रुद्धम सत्वा आसीत तुम ध्वजो राजा प्रजापालन तत्र प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखवापसः, एकदा सवनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशून। करें एक समय की बात है, सूत जी महाराज बता रहे हैं कि हे मुनियों अब आगे की कथा को सुनो। एक तुंगध्वज नाम के राजा थे जो प्रजा के पालन में लगे रहते थे। एक बार उन्होंने भगवान के प्रसाद को नहीं खाया था और उनका त्याग कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने बहुत दुख भोगा था। उन्हीं की कथा इस समय भगवान सूत जी महाराज बता रहे हैं। एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान पशून, एक बार की बात है, एक बार वे जंगल में गए और हत्वा बहुविधान पशून, बहुत सारे पशुओं की हत्या किए। आगत्य वट मूलम से दृष्ट्वा सत्य से पूजनम, और हत्या करके शिकार करके कहाँ आए, एक वट मूलम एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए और वहां पर उन्होंने क्या देखा, राजा दृष्टवातु दर्पे वहां पे देखा कि आगत्य वट मूलन से दृष्टवा सत्य से पूजन, वहां पे सत्य से पूजन भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही थी, ऐसा राजा ने देखा। और पूजा कौन कर रहे थे, गोपा कुर्वन्ति संतुष्टा भक्तुक्ता बांधवा, कुछ गोपगण जो गाय भैंस कुछ रानी वाले गोपगण थे, वे भगवान का पूजन अर्चन उसी पेड़ के बरगद के नीचे कर रहे थे। आज भी देखो गांव इत्यादि में बरगद के पीपल के पेड़ के नीचे लोग करते हैं, कहीं ब्रह्म बाबा को माने हैं, कहीं किसी को माने हैं, ऐसे जगह भगवान की पूजा अर्चना चलती है, तो वहां पे कर रहे थे। तो राजा दृष्टवा तु दर्पेण न गत्वा न नाव सह, राजा ने दृष्टवा देखा लेकिन दर्पेण अहंकार के कारण घमंड के कारण न गत्वा वहां पे गया नहीं, मतलब कथा में सम्मिलित नहीं हुआ। न ननाम सह, ननाम का अर्थ होता है नमन करना, उसने अपने सिर को भी झुका करके भगवान को प्रणाम नहीं किया।
तथो गोपगण सर्वे प्रसादम निपसन्निधो। जब कथा समाप्त हो गई तो गोपगण जितने थे वे सब प्रसाद ला करके जो है राजा को देने लगे। राजा की प्रसाद आजकल लोग ऐसे फैशन में टच करते हैं, प्रसाद को छूते हैं या भगवान प्रणाम कर लिए, नहीं चाहिए रख देते हैं। तो राजा ने भी क्या किया, वहीं बगल में जो है प्रसाद को रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रसाद थोड़ा सा ही लीजिए, उसको खाना चाहिए। भगवान का प्रसाद का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। संस्थाप पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे थेप्सितम्। राजा लिया नहीं, वहीं रख दिया। और पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे थेप्सितम्, सभी लोग आए जो गोपगण थे वे आए, अपना प्रसाद जो है ग्रहण किए। ततः प्रसादम संतज्य राजा दुखवापस। और प्रसाद न खाने के कारण भगवान क्रोधित हो गए, और जिसके कारण राजा को बहुत सारा दुख जो है भोगना पड़ा। तस्य पुत्र सतम नष्टम धन धान्यादिकम चयत। उसके सारे पुत्र नष्ट हो गए, मर गए, और उसका जो धन धान्य था वह सब गायब हो गया, ऐसा कथा कहती है। लेकिन कथा में इसमें राज है, इसमें रहस्य है। वह राजा जो है पागल की भांति हो गया, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। विक्षिप्त होने के बाद कौन सा पुत्र, कौन सा धन, कौन सा धान्य, सब खत्म। जब व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है उसके लिए पुत्र कौन, घर कौन, सब कुछ खत्म। ऐसी बात यहाँ पे भाव यह है कथा का। तो वह राजा जब पागलों की भात घूपने लगा तो घर वालों ने सोचा कि भाई राजा क्या हो गया। किसी संत के पास गए तो संत ने कहा कि इसने क्या किया है, किसी ने किसी देवता का क्या है अपमान किया है। सतदेवेन तस्म नास्तम मम निश्चितम। तो पता चली कि सत्यनारायण की भगवान की पूजा अर्चना वहां हो रही थी बरगद के पेड़ के पास, इन्होंने अपमान किया है। तो लोग आजकल मान लेते हैं ना भैया बरगदे में भूत प्रेत रहन पकड़ लेन, गलती करे रहन, इसके लिए ठीक है, तो इसके लिए पागल जैसे हो गए हैं। तो हमें कहाँ चलना चाहिए, उसी बरगद के पेड़ के पास चलना चाहिए। इस कथा में भी उसी बरगद के पास गए हैं। अतः तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम्। अतः हमें वहीं जाना चाहिए जहां देवता का पूजन हो रहा था, मतलब उसी बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए जहां वहां पे पूजा हुई थी। ऐसा मन में सोच करके मनसा तु विनिश्चित यो गोपाल सन्निधो। ऐसा मन में सोच करके वहां पे वे गए और सभी गोप बालकों को इकट्ठा किया। ततो असो सत्यदेवस्य पूजाम गोपगणैस। और वहां सभी गोपगणों के साथ में मिलकर के भगवान की पूजा अर्चना की। भक्ति श्रद्धान्वित भूत्वा चकार विधिनाम नृप। और भक्ति श्रद्धा से समन्वित होकर के वह राजा जो है विधि पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन किया। सत्यदेव प्रसादेन धन पुत्राणि तो अभवत। और भगवान सत्यदेव के प्रसाद से वह पुनः धन धान्य से संपन्न हो गया। और इह लोके सुखम भुक्त्वा चन्ते सतपुरम यैव। और इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करके अंत में उसने वैकुंठ को सत्यपुर को प्राप्त किया। अब भगवान जो है स्टाम्प पेपर पे गारंटी दे रहे हैं, इस कथा का जो फल है अब लिख रहे हैं। उन्होंने कहा यह इदम कुरुते सत्य प्रथम परम दुर्लभम। उन्होंने कहा सुनो, इस परम दुर्लभ व्रत को यदि कोई व्रत व्यक्ति करता है, श्रोत च कथाम पुण्यम भक्ति उक्त फल प्रदान। इस फल प्रदान करने वाली दुर्लभ कथा को कोई श्रवण करता है, सुनता है, तो धन धान्य आदिकम तस्य भवेत सत्य प्रसाद। तो धन धान्य आदि से वह व्यक्ति क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधनात्। यह दरिद्र व्यक्ति है तो वह उसकी दरिद्रता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और बद्धो मुच्चेत बंधनात्, किसी बंधन में पड़ा हो, चाहे कैसा बंधन हो, चाहे ऋण का बंधन हो, कर्ज का बंधन हो, किसी बंधन में हो, वह बंधन जो है कट जाता है। भीतो भयात प्रमुच्चेत सर्व सत्यमेव न संशय। किसी भय में है, जहाँ कि ऐसा भी डर उसके व्यक्ति को सता रहा है, वह डर जो है वह भय से मुक्त हो जाता है। इप्सितम च फलम भुक्त्वा चन्ते सत्यपुरम व्रजेत। और मनोवांछित फल को प्राप्त करके वह अंत में कहा जाता है सत्यपुरम व्रजेत, सत्यपुर को प्राप्त, सत्यलोक को प्राप्त होता है। इति वह कथितः विप्रा सत्यनारायण व्रतम। इस प्रकार से सत्यनारायण का व्रत करने का फल भगवान ने बताया। यत् कृत्वा सर्व दुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। इस जिसे करके सभी दुखों से मनुष्य क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यह जो सत्य पूजा है कलयुग में क्या करने वाली है, विशेष फल प्रदान करने वाली है। केचित कालम वदिष्यन्ति सत्यमीशम तमेव च सत्यनारायणम केचित सत्यं तथा परे नाना रूप धरो भूत्वा सर्वे अप्सितम प्रदम।
भगवान नारायण ही किसी न किसी रूप में, कोई सत्य कहता है, कोई ईश कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई सत्य नारायण के रूप में समस्त इच्छाओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। भविष्य दिकलो सत्यव्रत रूपी सनातन श्री विश्वनाथ ऋतम रूपम सर्वे अप्सितम यदम पढ़ते नित्यम श्रोति मुन सत्तमा तस्य नश्यन्ति पापाणि सत्य देव प्रसाद व्रतम यस्तु कृतम पूर्व सत्य नारायणस्य तेषां तु अपर जन्मानि कथया मुनीश्वरा। कहें कि इस कथा को जो नित्य पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त पापों को भगवान क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब इस कथा को जिन जिन व्यक्तियों ने सुना था उनके अगले जन्म की कथा जो है भगवान बताते हैं। सुनिए कि सतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो यभूत। जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे पहली कथा सुनने वाले, वे अगले जन्म में क्या हुए, सतानंद जन्मन श्री कृष्ण धत्वा मोक्षम वाप। और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने क्या किया, मोक्ष को प्राप्त किया। काष्ठ भार वो भी लोक हो राजो अभूह। जो लकड़ी बेचने वाला था वह अगले जन्म में क्या हुआ, काष्ठ भार वाहक अर्थात गुह हुआ, निषाद राज गुह केवट होकर के पैदा हुआ। और अगले जन्म में उसने भगवान राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। और क्या कह रहे हैं, उल्का मुखो महाराजो नृपो दशरथो अभवत। उल्का मुख नाम के जो राजा थे वे अगले जन्म में क्या हुए, दशरथ होकर के पैदा हुए। और श्री रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत। और श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। धार्मिक सत्य संधच साधुर मोर ध्वजो अभवत। वह जो साधु बनिया था वह अगले जन्म में महाराज मोर ध्वज हुआ। और जिसने लकड़े से जिसने आरे से चीर करके अपने लड़के की आधी देह को भगवान को अर्पित किया और क्या किया, मोक्ष को प्राप्त किया। तुम जो महाराज स्वयं भू अभवत किल सर्वान भागवतान कृत्वा श्री वैकुंठम तदागमत। महाराज तुंग ध्वज जो थे अगले जन्म में भगवान मनु होकर के पैदा हुए। और सर्वान भागवतान कृत्वा भगवान के नाना भक्ति का प्रचार प्रसार किए और क्या किए, वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रतकथायां पंचमो अध्याय रेवा के बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।